हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी वेलकम एवरीवन वेलकम टू दिस आफ्टरनून सेशन जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बचपन एन एस बी जेई दो हजार बाईस का पेपर ठीक है डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि आंसर की तो जनरली सबको पता है ठीक है ना बट सॉल्यूशंस थोड़े से एक्सप्लेनेशंस और जहां ज़रूरत है ठीक है उन सब चीज़ों को भी लेके चलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते ही हैं बच्चों कि चाहे कितनी भी आप अच्छी प्रिपरेशन करके चलें चाहे कितना भी इजी एग्ज़ाम आ जाए जैसे एन जैसा लेकिन फिर भी हम सब ने ये देखा है कि आठ से दस क्वेश्चन ठीक है कहीं ना कहीं हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो थोड़े से नए क्वेश्चन हो जाते हैं या उन टॉपिक पे हो जाते हैं जो टॉपिक कहीं ना कहीं आपसे भी छूट रहे थे तो ज़रूरी है कि बच्चों उन चीज़ों को भी देखा जाए प्रॉपर ठीक है ना कि ऐसा कुछ ना छुटे तो और क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जितने भी जेई लेवल के तो उनमें पी और स्टेट लेवल पर काफ़ी रिलेटेड चीज़ें रहती हैं जो पूछी जा सकती हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेशन ले रहा हूँ ताकि जिसने पेपर दिया है वो तो इस क्वेश्चन को देख ही लेगा लेकिन जिसने नहीं भी दिया है वो भी इन सेशंस को देख के आराम से क्वेश्चंस को कर सकता है तो फटाफट बच्चों आंसर भी करते रहिएगा साथ में क्लियर है तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूं बस यहां पे। तो ये हमारा शिफ्ट वन का पेपर हो जाता है याद रखिएगा मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा टेक्निकल पेपर है बच्चों वन फोर्टी क्वेश्चन का ठीक है तो स्टार्ट विद मी जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे दो घंटे के अंदर ये पूरा पूरा सेशन हमारा खत्म हो सके क्योंकि जो, जो बेसिक क्वेश्चन तो है उसके फटाफट आंसर देते रहेंगे तो चलिए सभी लोग तैयार हैं रेडी हैं एक सेकेंड

तो स्ट्रेट पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी इनका डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्योंकि इनपे क्वेश्चन आता ही आता है जैसे यहां पे उसने हीट डिसिपेशन के ऊपर पूछ लिया तो यही चीज आपको कभी कभी डिपोजिशन रेट पे पूछ लेगा कभी कभी पेनिट्रीशन पे पूछ लेगा समझ रहे ना तो पैरामीटर बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम ही रहेगा हमेशा इस तरह का क्योंकि हमेशा आता है ये चीज तो याद रखिए आपको पता है डी सीई एन मतलब डायरेक्ट करो नेगेटिव पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो नेगेटिव पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिवली कनेक्टेड होगा वर्क पीस आपका पॉजिटिव कनेक्टेड होगा जिसके वजह से वर्क पीस पे ज्यादा हीट जनरेट होती है टू बाय थर्ड और वन बाय थर्ड आपकी इलेक्ट्रोड पे तो टू बाय थर्ड वर्क पीस पे ज्यादा जनरेट होगी इसका मतलब क्या हो जाता है तो टू बाय थर्ड मतलब सिक्सटी पॉइंट सिक्स परसेंट के आसपास जो है वो क्योंकि जीरो पॉइंट सिक्स हो गया ना सिक्स परसेंट केसपास सिक्स परसेंट के आसपास जो है हीट जनरेट होती है आपकी वर्क पीस में तो सिंपल था आंसर कोई क्वेश्चन नहीं जहां पे हल्का सा भी ट्रिकी होगा ना बच्चों जहां मुझे लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए था या फिर कम बच्चे कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट वो मैं आपको बता दूंगा ये सबको करना चाहिए था फर्स्ट का डी विल बी दी करेक्ट आंसर बिना किसी दिक्कत के इससे आप ये भी समझ पाएंगे बच्चों अपने एनालिसिस में ये सेशन देखने के बाद जिन्होंने पेपर दे दिया है ना वो ये समझ पाएंगे कि उनकी मिस्टेक कहाँ है ठीक ना कौन सी वो सिली मिस्टेक करके हैं और कौन सा उन्होंने छोड़ देना चाहिए था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अटेम्प्ट किया है ठीक है चलिए नेक्स्ट सेक्ट क्वेश्चन में आते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों सोल्डरिंग फ्लक्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क सोल्डरिंग फ्लक्स जो है वो क्या टास्क परफॉर्म करता है जब जनरली अब सोल्डरिंग में हम जो भी फ्लक्स यूज कर रहे हैं बच्चों वी ऑल नो दैट पेस्ट की फॉर्म में फ्लक्स यूज होता है वी ऑल नो दैट कि वो फ्लक्स हमारा हमें प्रिवेंशन देता है है ना और जो एटमोस्फेर कंटामिनेशन उससे बचाता है ये हमारा स्ट्रेट आंसर और नॉलेज हम लोगों को जो पता है लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन के हिसाब से देने बच्चों आपको देखना है सेकंड शिफ्ट बच्चों इसके बाद करेंगे फर्स्ट शिफ्ट आज पूरी कर लेंगे हम लोग फिर सेकंड शिफ्ट भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे है डिक्रीजिंग सोल्डरिंग टाइम कि हम फ्लक्स का यूज करके सोल्डिंग टाइम को डिक्रीज करते हैं ठीक है तो ये एक ऑप्शन दूसरा प्रमोट टार्निशिंग ऑफ द सर्फेस सर्फेस को जो है वो टार्निंग मतलब तोड़ता है ठीक है तीसरा प्रमोट ऑक्सीडेशन ऑफ द सर्फेस सर्फेस का ऑक्सीडेशन करते है तो बिल्कुल ही गलत है ठीक है चौथा है प्रमोट वेटिंग ऑफ द फ्रेग फेइंग सर्फेस फेइंग सर्फेस होता है बच्चों वो गैप जिसपे वेल्ड होना है जिसके बीच में वेल्ड होना है तो ये कह रहा है कि उसको पर उसकी उसको वेटिंग करता है ये फ्लक्स हमारा यूज करके मतलब वहां पे एक लिक्विडिटी क्योंकि हमें पता है कि सोल्ड्रिंग हमारी किस में आती है एक तरह से सॉलिड स्टेट वाली भी आ जाती है या फिर हम कह सकते हैं इसको अलग कैटेगरी एक सोल्ड्रिंग टाइप की वेल्डिंग जो है हमारी वो एक डिफरेंट कैटेगरी की वेल्डिंग में आती है जो सॉलिड लिक्विड स्टेट होती है सॉलिड भी और लिक्विड भी है ना दोनों स्टेट होती है तो इसीलिए सॉलिड लिक्विड स्टेट भी यहां इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये वेटिंग प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे डी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही था लेकिन इसमें मैं कह सकता हूं कि शायद बच्चों का गलत हो गया हो किसी किसी बच्चे ने यहां पे आंसर जो है वो बी या ए को भी सोच के आंसर कर दिया है पर कोई बात नहीं या तो आप करते से या छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं थी तो आंसर सेकंड का डी रहेगा सर वो लेक्चरार का इंटरव्यू सेशन होना था मोना राय जी आप अभी तक शायद ग्रुप में नहीं है क्या क्योंकि आ, सेशन जो है वो गाइडेंस सेशन हो चुका है परसों वो हमने जिन जिन का रिज़ल्ट आया था उन उनसे उन्होंने हमें सब बच्चों ने अपना रिज़ल्ट भेजा था उनका हमने ग्रुप भी बनाया था उनको हमने एक्टिवली जो हमारे पैनल के गाइड हैं उनसे मीटअप करवाया लाइव और लाइव सेशन में उनको मतलब हर चीज़ वही है कि यूट्यूब में डालने के तो बात की बात है ज़रूरी है कि सेशन हो जाए तो बच्चों को अच्छे से अच्छी गाइडेंस मिल चुकी है कम से कम दो ढाई घंटा वो सेशन चला है बहुत अच्छा तो अगर आप मिस कर गए हैं सेशन को तो फिर मैं जल्दी ही जो है उसको यूट्यूब में डाल दूंगा क्योंकि हमने उस सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है ताकि और बच्चे भी उसका फायदा उठा पाए क्लियर है बट ऐसे मिस मत करो आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं ठीक है ना क्योंकि उसके बाद गाइडेंस सेशन के बाद मॉक इंटरव्यूज हैं क्लियर बच्चो तो यहां पे आंसर आएगा डी विल बी वि करेक्ट आंसर मोना राय जी टेलीग्राम में मैसेज करो बेटा अपना रिजल्ट कि मेरा इसमें हुआ है आप तो रेगुलर स्टूडेंट है आपने क्यों नहीं मैसेज किया अभी तक क्योंकि जितने रेगुलर स्टूडेंट थे हमारे बैचेस के उन सब मैसेज तो किया अपना रिजल्ट बताया और पॉली वाले ग्रुप में ऐड भी किया हमने उन्हें और सेशन भी बहुत अच्छा रहा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है हमारा अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों क्यों क्योंकि इसका फिगर थोड़ा डिफरेंट बना के दिया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए फिगर दिया था ठीक है ना जिस बच्चे का आंसर की अभी तक नहीं दिखा रहा है उसे वो बच्चे जाओ क्रोम में जाके चेक करो या जिन बच्चों का दिखा रहा है उनसे बोलो ना उनको अपनी आई डी वाई शेयर करो अपनी मेल आई और अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड शेयर करो और उनसे खुलवा दो अपनी पीडीएफ ठीक है ना नहीं तो भेजो इधर से हम खोल के दे देंगे क्लियर है चलो यहां पे क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रूड मशीन इन द गिवन फिगर बच्चों अब वो कह रहा है ये जो फिगर में दिया हुआ है ये किस टाइप की फ्रूड मशीन है अब जनरली बच्चों ने इसे वर्टिकली सोच के एक्सियल फ्लो आंसर कर दिया ठीक है ना ठीक है तो दैट इज यहां पे अगर इस फिगर को आप सही तरीके से देखते तो ये हाफ ऑफ द टर्बाइन फिगर बना था बच्चों ये वाला ये हाफ ऑफ द टर्बाइन फिगर था कुछ ऐसे करके ठीक है ना इस तरह से ये हाफ ऑफ द टर्माइन फिगर था ऐसे तो ये गाइड ब्लेड और मूविंग ब्लेड इस तरह से यहां पे बनी हुई थी ठीक है ना इस तरह से यहां पे गाइड ब्लेड और मूविंग ब्लेड बनी हुई थी और यहां से फ्लो ऐसे दिखा रहा था तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होना था ना इस तरह से होना था ठीक है ना तो आपको वो हाफ ऑफ द फिगर ही थोड़ा सा उसके पीछे छिप गया ये ठीक है इस तरह का कुछ होना था ये आपका ठीक है ना लगभग ये सेंटर में समझ लो आप कुछ इस तरह का तो पूरा फिगर ये ऐसा था लेकिन उसने इतना पार्ट कट करके इसको ऐसे करके दिखा दिया आपको और वहां से बच्चे जो है वो एक्सियल आंसर कर गए अब आप यहां पे साफ बोल सकते थे कि सर ये तो रेडियल है और वही आंसर भी था आपका ठीक है ना समझ आ रही बात तो वही आंसर भी था आपका दैट इज रेडियल फ्लो विल बी दी करेक्ट आंसर रेडियल फ्लो इसका करेक्ट आंसर था क्लियर है बच्चों ठीक है ना तो जिन्होंने एग्जियल दे दिया सिर्फ एरो एरो के चक्कर मच जाएगा ये देखा करो कि बना क्या है फिगर में किस तरह दिखा रहा है क्योंकि इनमें ट्रिक सिर्फ यही हो सकती है कि फिगर को टेढ़ा मेढ़ा किया जाए ठीक है ना तो दैट इज रेडियल फ्लो इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये ये क्वेश्चन बच्चों में कहूंगा कि कुछ बच्चों ने गलत कर दिया ठीक है ना पर चलो इसमें तो फिर भी मतलब कुछ गलतियां तो दिखती हैं कि चलो कोई बात नहीं हो सकता था गलत ये कंफ्यूज कर भी सकता था आपको कि ब्रेक पावर इज मेजर्ड यूजिंग अ प्रोनी ब्रेक प्रोनी ब्रेक फॉर अ प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर सब लोग जानते हैं तो वो कह रहा है कि ब्रेक पावर को हम लोग मेजर करते हैं प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर फॉरा किस टाइप के इंजन के लिए वेरिएबल स्पीड इंजन के लिए लो स्पीड सिंगल सेंडर लो पावर तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कर सकते थे कि भाई लो पावर नहीं होता है सिंगल सेंडर नहीं होता है ठीक है वी हैव अ लो स्पीड और वेरिएबल स्पीड तो यार देखिए जब लो पावर नहीं है तो स्पीड भी लो नहीं इट इज अ वेरिएबल स्पीड वेरिये, स्पीड वेरी करती है आपकी उसके हिसाब से आप लोग जो है कैलकुलेट करते हो दैट इज ए विल बी दी करेक्ट आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर यहां पे वेरिएबल स्पीड ही करेक्ट आंसर था क्लियर है तो ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोडेड टाइप गवर्नर अब इस मैंने हमेशा बोला है अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे इंपोर्टेंट बच्चों वो है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ठीक है ना तो एटलीस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो सब लोग हमेशा याद रखो चाहे वो गियर का हो गवर्नर का हो ठीक है ना किसी का भी हो समझ आ रही बात तो दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ऐसे ही गवर्नर के क्लासिफिकेशन में तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आए हैं तो वहां तो मतलब मिस्टेक करना ही नहीं चाहिए था आपको ठीक है ना क्योंकि सबको पता है कि दो टाइप के गवर्नर हम लोग लेते हैं यहाँ पे ठीक है ना दैट इज कॉल्ड पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप ठीक है ना बहुत बार बता रखा है पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप पेंडुलम टाइप में आ जाता है सीधा सीधा वार्ड गवर्नर ये बल्कि इससे भी ऊपर आता है पहले एक क्लासिफिकेशन इनर्शिया गवर्नर और सेंट्री फ्यूगल गवर्नर सेंट्री गवर्नर में आ जाता है पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप लोडेड टाइप में आ है डेडवेड टाइप और स्प्रिंग लोडेड टाइप ये तो अब आपसे पूछा था कि लोडेड टाइप गवर्नर इसमें से कौन सा है ठीक है ना तो अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हुए पॉटर गवर्नर वार्ड गवर्नर न, कौन सा नहीं है पूछा था अब आपको पता है बच्चों पॉटर प्रॉयल यहां जाते हैं पॉटर ऑफ प्रॉयल गवर्नर यहां आते हैं पिकरिंग गवर्नर यहां आता है लेकिन ये तीनों कैटेगरी तो लोडेड टाइप की हो होगी ना वो पूछ रहे लोडेड टाइप कौन सा नहीं है तो जो नहीं है वो होगा वार्ड गवर्नर दैट इज कॉल्ड पेंडुलम टाइप तो सीधा सीधा आंसर था बच्चों वार्ड गवर्नर बी लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने यहां पे आंसर जो है वो गलत कर दिया बट जिसने गलत किया दैट इज अली मिस्टेक ये सिली मिस्टेक में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियल आइडियल आर बच्चों ये भी कोई गलती करने की जगह नहीं है ठीक है आइडियल फ्लूड आर नॉन विस्कस एंड कंप्रेसिबल तो बच्चों वो होता है नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच मेक्स इट सुटेबल टू यूज इन मैनोमीटर तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है क्यों क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है और ये बात सही भी है तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको आंसर हमेशा ऑप्शन के हिसाब से ही करना होगा क्योंकि यहां पे वो पूछता है कि इनमें से कौन सी सुटेबल प्रॉपर्टी है मैनोमीटर की ठीक है ना जो फ्लूड यूज होता है मैनोमीटर में उस फ्लूड की जैसे मरकरी या कोई भी फूड उसकी एक करेक्ट सुटेबल प्रॉपर्टीज कौन सी है तो जैसे हमें हाई सर्फेस टेंशन लो सर्फेस टेंशन ये सब पूछता है ठीक है ना हाई विस्कोसिटी लो विस्कोसिटी तो आपको याद होगा जब सर्फेस टेंशन की बात आती है तो हम उसे हाई को चूज कर लेते हैं जब विस्कोसिटी की बात आती है तो हम लो विस्कोसिटी को चूज कर लेते हैं जब डेंसिटी की बात आती है तो हम लो डेंस को चूज कर, तो कर लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही उसने चीज़ें पूछी थी तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा था वो था आपका लो विस्कोसिटी ठीक है ना लो विस्कोसिटी अच्छा 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 ठीक है मुना राय जी कोई बात नहीं वो सेशन आपको मिल जाएगा बेटा और मॉक इंटरव्यू के लिए भी आपको जो है वो ज्वाइन करा देंगे टेंशन ना लीजिए अगर हमारी तरफ से भी मिस हुआ है तो भी आपको करवा देंगे कोई टेंशन नहीं आप अभी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और एक्टिवली बने रहें अभी मैं जो सेशन हुआ था उस दिन अभी मैं उस सेशन को यूट्यूब में शेयर करता हूँ आपको नाइन्टी परसेंट गाइडेंस पहले वहाँ मिल जाएगी उसके बाद मॉक इंटरव्यू के लिए आपको ज्वाइन करवाएंगे ठीक है तो अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट में से एक और स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है ऑलरेडी हमारे जो है ग्यारह स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं ठीक है ना उसमें से एक और सेलेक्टेड हो गया दैट इज़ अ कम्प्लीट बारह सेलेक्टेड हो गए और वो भी इतने अच्छे इतने बड़े एग्ज़ाम में तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है बेटा ठीक है जहाँ लोग इक्के दुक्के सेलेक्शन आते हैं इस तरह के एग्ज़ाम में वहाँ हमारे 11-12 बच्चे निकल रहे हैं तो और अच्छा इससे ज्यादा बेटर क्या चाहिए बट फिर भी हम तो इससे भी बेटर की कोशिश करते रहेंगे हमेशा ठीक है तो यहाँ पे आंसर रहेगा बच्चों डी विस्कोसिटी विल बी दी करेक्ट आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन बच्चों ये आया था ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि इस क्वेश्चन में जो है आप अच्छे से क्लेम कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां पे उसने डायग्राम दिया था और सीओपी पूछी थी बट उस दिन मैंने आपको कहा था याद होगा आपको जिस दिन मैंने एग्जाम एनालिसिस लिया था और किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कहा था कि वैसे इसका सही तरीका है इस क्वेश्चन का कि जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछे तो उसे अपना रीजन बनाना चाहिए मतलब डिजायर्ड रीजन बनाना चाहिए कि ये मेरा डिजायर्ड रीजन है तो इस तरह का सिस्टम ड्रॉ होता है उसके आगे तब पूछा जाता है ये क्वेश्चन बट ऐसा नहीं पूछा है तो इसका मतलब आप आंसर जो है वो कहीं से भी कर सकते थे तो अब सीओपी जो है वो अगर हम रेफ्रिजरेटर मान के करते ठीक है सीओपी जो है वो रेफ्रिजरेटर मान के करते तो आंसर आपका Q2 टू अपॉइंट डब्ल्यू हो जाए और सीओपी जो है अगर आप हीट पंप मान के करोगे क्योंकि डायग्राम दोनों के लिए सेम है तो वो Q1 वन अपॉइंट डब्ल्यू हो जाए अब यहां पे सी और डी दोनों ऑप्शन है बट आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है किसी भी बुक का सेम डायग्राम हीट पंप के लिए बना होगा सेम डायग्राम रेफ्रिजरेटर दोनों की फोटो खींच के सेंड की जा सकती है ठीक है ना तो यहां पर क्यू टू अपॉन डब्ल्यू क्यू वन अपॉन डब्ल्यू सीओ डी आपको कहा था कि इन फ्यूचर के लिए भी याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली प्रेफरेंस हमेशा रेफ्रिजरेटर को दीजिएगा पहली प्रेफरेंस हमेशा रेफ्रिजरेटर को दीजिएगा ठीक है ना ये मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कोई लॉजिक नहीं है ज्यादा इसके पीछे ठीक है ना तो वो मैंने आपको कहा था कि रेफ्रिजरेटर को दीजिएगा और आज यहां इन्होंने आंसर भी टर को ही करेक्ट माना है तो ये एक लॉजिक है बच्चों, ठीक है ना मतलब गट लॉजिक आप कह सकते हैं क्लियर है तो दैट इज क्यू टू बाय डब्लू इज द करेक्ट आंसर यहां पे, तो सी को हमने यहां पे करेक्ट आंसर माना है क्लियर है प्लीज बच्चे सभी लोग जो है मैं कहूंगा जो भी ए वाले बच्चे हैं बीटेक वाले बच्चे हैं एक सेशन है मैं सिर्फ़ एन के वजह से रिजल्ट के वजह से मैंने कल अपलोड नहीं किया वो सेशन हमने एक गाइडेंस सेशन कंडक्ट करवाया था ठीक है जिसमें एक्सपर्ट द्वारा बच्चों को यू पी पी एस सी लेक्चरार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस दी गई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी एग्ज़ाम के लिए सीखने लायक है तो वो एक बहुत अच्छा सेशन है जिसमें हमारे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं ठीक है ठेके? सारे तो नहीं आप आए थे लाइव बट जितने भी आए थे उनके साथ हमने ये सेशन करवाया था और बहुत अच्छा सेशन रहा बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं आपको कॉन्फिडेंस आएगा कुछ करने का मन करेगा इस तरह की चीज़ें तो देखिएगा जरूर जब भी ये सेशन अपलोड करें ठीक है तो हो सकता है मैं आज ही अपलोड कर दूँ या कल अपलोड कर दूँ ठीक है तो जब भी करेंगे जिसका पेपर है पॉलिटेक्निक लेक्चरार का वो तो देखे ही मैं कहूँगा इसके अलावा भी देखें ठीक है भाई एडमिशन हमारे यहाँ ज्यादा हो ना हो ये तो हमें पता नहीं क्योंकि एडमिशन तो हमारे यहाँ बहुत ही कम है लेकिन ये कन्फर्म है कि सिलेक्शन बहुत है ठीक है तो हमें उस चीज़ की बहुत संतुष्टि है कि ऐसा कोई पेपर नहीं है पिछले डेढ़ दो साल में जिसमें बच्चा सेलेक्ट ना हो तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है क्योंकि उसके फ्यूचर में बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे है ना क्रेडिबिलिटी तो बताओ वही है बच्चों जिस चीज़ को हमने हमने से पहली प्रेफरेंस दी है उसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है बस और क्या है ठीक है अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है अ मशीन गन ऑफ मास 25 केजी एक मशीन गन है जिसका मास 25 केजी के जी है फायर बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम ठीक है तो यहाँ पे एक मशीन गन है जिसका मास 25 केजी है और वो बुलेट फायर करती है जिसका 30 ग्राम है विद अ विदोसिटी ऑफ इतना 250 मीटर पर सेकेंड फाइंड द दी विद विच द मशीन गन विल रिक्वायर तो बस आपको मोमेंटम का इक्वेशन लगानी है और आंसर निकाल देना है यहाँ पे बता दीजिए आंसर क्या होगा फिर तो 25 एक मास आपको 25 दिया है एक मास आपको कितना 30 ग्राम दिया है 30 ग्राम दिया है ठीक है ये केजी दिया है और वेलोसिटी आपको जो दी है वो v2 250 मीटर पर सेकंड दी है ठीक है आपको v1 निकालने को कह रहा है कितनी से रिकॉइल करेगा बस सिंपल ये आपको केस दिया हुआ है इसको आप सॉल्व कर दें पॉइंट जीरो थ्री कर दीजिएगा के जी हो जाएगा ये ठीक है ना तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर निकाल दीजिए तो ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी पॉइंट ज़ीरो थ्री एम वन बी वन एम टू बी टू दैट इज़ थर्टी बताइए कितना आ रहा है सी डी डी किसका आ रहा है भाई डी किसका आ रहा है सी आंसर है बच्चे सी आंसर है डी क्यों आ रहा है किसी का आ रहा है डी बिल्कुल रखेंगे गौरव प्रताप जी बिल्कुल रखेंगे प्लीज़ की मैसेजिंग आप करते रहें जिसका भी है ठीक है ना जिसका भी जो भी इंटरव्यू सेशन है वो मैसेज करते रहे हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा इस चीज़ के लिए तो बच्चों यहाँ पे हमारा पॉइंट थ्री सी बीवी दी करेक्ट आंसर ठीक है ना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मोमेंटम लॉ मोमेंटम लगाइए बस और आंसर निकालिए ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कटाओ वटाओ बताएंगे बच्चे इसके बाद बताएंगे आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनमें से बच्चों ऑड वन को आउट करिए आप ऑड वन आउट करिए क्या होगा ऑड वन आउट क्या होगा बताएं ऑर्ड वन आउट तो बच्चों साफ है बल्क मॉडल है मॉडल ऑफ लास्टिटी है मॉडल ऑफ रिजिटी है ये सभी तीनों क्या है हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी है और मॉडल ऑफ विस्कोसिटी हमारी लिक्विड प्रॉपर्टी है तो डी विल बी दी ऑड डी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस इनमें से कौन सी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस है बच्चों ठीक है जिसमें परमानेंट मोल्ड बनाया जाता है वो कास्टिंग प्रोसेस में से कौन सी है तो अब यहां पे ऑप्शन है आपके पास सैंड कास्टिंग प्रोसेस सैंड कास्टिंग में टैंपरी मोल्ड होता है बच्चों सैंड का ही ठीक है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस वैक्स का मोल्ड होता है बह जाता है सब हीट करके एक्सपेंडेड मोल्ड पॉलिस्टीन कास्टिंग प्रोसेस नाम में क्लियर है एक्सपेंडेबल ठीक है स्लस कास्टिंग प्रोसेस तो बच्चा बच्चा है हमारा स्लस कास्टिंग वो है हमारा परमानेंट मोल्ड ठीक है क्योंकि स्लस को आप जो है वो ओपन कर सकते हैं ठीक है ना क्लियर है समझ गए उसको आप ओपन कर सकते हैं और वहां से वो आराम से कैलकुलेट हो जाता है डी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अच्छा बच्चों ये फिगर आजकल फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी बढ़ने लगे हैं बच्चों तो जरूर फिगर्स को जरूर ध्यान दीजिए फिगर मतलब जरूर बना बना के जरूर देखिए कि फिगर में में क्या है क्या नहीं आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन मैं देख रहा हूं अब पेपर में बढ़ रहे हैं काफ़ी ठीक है ना पेपर में ठीक ठाक फिगर वाले को फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जरूरी है कि आप फिगर विगर प्रॉपर बनाएं क्लियर है क्या हुआ क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है क्या कह रहे हैं विकास जी मोमेंटम वाला बता दो सर कैसे बन नहीं है समझ में आया मोमेंटम वाला एक सेकेंड एक सेकेंड भाई मोमेंटम वाला किसी बच्चे से नहीं हो बेटा अब तो फिर तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना मतलब ये होने ही चाहिए सिंपल है एम वन वी वन टू एम टू वी टू यही तो करने को बोल रहा हूँ मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये लगाना था आपको बस तो इसमें क्या है आपका कितना दिया है टू फिफ्टी कितना दिया था टू फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्पीड दी है तो हमारा वो मास क्या थर्टी के जी है ठीक है ना बुलेट की स्पीड 250 है तो बुलेट का मास है आपका मान लीजिए ये बुलेट है आपकी ये गन है आपकी गन का है 25 फाइव ठीक है और विलॉसिटी ऑफ गन रिक्वायर आपको निकालनी है मास ऑफ बुलेट है आपका थर्टी ग्राम तो थर्टी इंटू टेन और माइनस थ्री कर दो तो के हो गया इंटू विलॉसिटी ऑफ बुलेट टू फिफ्टी दिया है आपको बस यही तो करना था वीजी इजिकल टू थर्टी इंटू टेन माइनस थ्री इंटू टू फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव से कटा टेन बचा टेन बचा और ये बचा हमारा एक दो तीन गए तो दैट इज पॉइंट थ्री इसमें क्या परेशानी है बेटा संदीप चौहान जी कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं बेटा आप एम पी सब इंजीनियर की एमपी सब इंजीनियर के बच्चों जल्दी करने वाले हैं अभी वही वाली बात है ना अभी सामने जो पेपर है सबसे पहला प्रेफरेंस वो है बाकी उसके बाद YouTube पर हम लोग एम बी एम पी सब इंजीनियर का जो है डेटा मैं आपको ज़रूर देने वाला हूँ क्या है कैसे करेंगे क्या नहीं तो ये समझ लो बस आज कल वाली बात है आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल कल जो है वो आपको जरूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे हम लोग ठीक है ना तो एम पी सब इंजीनियर वाले थोड़ा सा वेट कर लें एक आध दिन का ज़रूर उनका जो है पूरा पूरा हम लोग डिटेल में बताएंगे कि क्या करना है कैसे करना है क्लियर है थोड़ा संयम रखें है ना जब तक अच्छे से नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके बारे में कुछ बोलना मेरे लिए बेकार है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था आगे उसी पे चलते हैं हा जैसे ये क्वेश्चन था आपका कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बियरिंग गिवन इन द फिगर इस गिवन फिगर में आपको बियरिंग का टाइप बताना था कि ये कौन सा टाइप बियरिंग है कोनिकल पाइवट है ट्रैपिजाइडल पाइवट है देखो फ्लैट पाइवट और कॉलर बियरिंग तो है नहीं बच्चों जो थोड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज होने थे वो कोनिकल से हो रहे थे ठीक है ना और कुछ नहीं और यहाँ पे हमें दूसरा दिया था ट्रेपिजाइडल पाइवट बियरिंग ठीक है बट यहाँ पे आप फिगर को अगर गौर से देखोगे आर वन आर टू आपको रेडियस दिखा रहा है तो दैट इज योर ट्रेपिजाइडल टाइप ऑफ बियरिंग ट्रेपिजाइडल पाइवट बियरिंग तो, तो इसलिए बच्चों इसका आंसर जो है वो बी था क्योंकि तो कई बच्चों ने इसका आंसर जो है वो ए लगाया है ठीक है ना तो आंसर इज बी समझ आ रही बात बी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जिनका भी यूके पीएससी जीएसएससी इस तरह का कोई भी पेपर है बच्चों वो जरूर इस सेशन को देखे डेफिनेटली हो सकता है उनके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आएंगे द कोफिशेंट ऑफ फ्लक्चुएशन फॉर अ सिलेंडर सिंगल सिलेंडर तो ये बच्चों ये भी एक डेटा बेस क्वेश्चन था अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो इसका भी आंसर आप नहीं कर सकते थे कि कोफिशेंट ऑफ फ्लक्चुएशन आपने निकालना सीखा है अभी तक ठीक है ना किसी भी इंजन के लिए आप लोग कोविशन ऑफ फ्लक्चुएशन निकालते हैं फ्लाई व्हील वगैरह में लेकिन यहाँ पे वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कोविश ऑफ फ्लक्चुएशन फॉर अ सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग फोर स्ट्रोक गैस इंजन के लिए कितना होता है तो बच्चों ये याद रख लीजिएगा अगर इससे पहले नहीं पता दैट इज वन पॉइंट नाइन थ्री क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिया है कहीं दैट इज वन पॉइंट नाइन थ्री ए विल बी दी करेक्ट आंसर चलिए आज ये क्वेश्चन आया है तो इस चीज पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं अगला क्वेश्चन है डैश इज अ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल्व एज स्टीम स्टॉप वॉल्व यूज इन बॉयलर ये बच्चों क्वेश्चन करवा रखा है आपको प्रैक्टिस सेशन में करवा रखा है कि इनमें से कौन सी वॉल्व जो है याद होगा आपको मैंने पता नहीं दो तीन प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन लिया है अभी बॉयलर का भी एक सेशन स्पेशली करवाया था जिस दिन आपको याद होगा उस दिन भी लिया है ठीक है ना ये क्वेश्चन यूट्यूब में ही दैट इज डैश या सिमिलर टाइप ऑफ वॉल्व एज अ स्टीम स्टॉप वॉल्व इनमें से कौन सी वॉल्व जो है वो सेम एज अ स्टीम स्टॉप वॉल्व काम करती है ठीक है ना तो दैट इज कॉल्ड योर जंक्शन वॉल्व दैट इज कॉल्ड योर जंक्शन वॉल्व ए विल बी दी करेक्ट आंसर क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल एज अब देखो कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल की बात कर रहा है तो यू 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 हैव हैव टू यूज अ ऑक्टेन नंबर एज अ क्वालिटी चेक ऑक्टेन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट इज द कूलिंग कैरिड आउट ओनली इन द फर्नेस वेयर इट इज हीटेड तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि किस हीट ट्रीटमेंट में हम कूलिंग जो है वो फर्नेस के अंदर ही करते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर एनीलिंग ठीक है ना नॉर्मलाइजिंग में हम एयर में करते हैं ठीक है ना ठीक है ना क्वेंचिंग में हम वाटर में करते हैं या ब्राइन सोल्यूशन में करते हैं तो दैट इज योर सी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैनोमीटर इज जनरली यूज्ड टू मेजर मैनोमीटर जनरली क्या मेजर करने के काम आता है तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले लिया हुआ है कि मैनोमीटर जो है वो प्रेशर इन अ पाइप मेजर करता है लेकिन अब यहाँ ऑप्शन थोड़े डिफरेंट थे कि हाई प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर को लो प्रेशर को या मॉडरेट प्रेशर को यह मैं कहूंगा कि इसमें कई बच्चों ने गलती करी भी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि मैनोमीटर जनरली यूज टू मेजर मैनोमीटर जो है वो हाई टू मॉडरेट मॉडरेट टू हाई प्रेशर को मेजर करता है बच्चों लो प्रेशर को भी नहीं और एटमोस्फेरिक प्रेशर को भी नहीं लो भी मेजर करता है ऐसा नहीं है पीजोमीटर हमारे लो प्रेशर के लिए ही होते हैं बट यूज टू लो प्रेशर के लिए मेजर नहीं, नहीं होता है ज्यादा यूज ठीक है ना क्योंकि लो प्रेशर में फिर वो वैक्यूम की तरफ भी जाने लग जाता है तो लोअर एटमोस्फेरिक को छोड़ दो तो मॉडरेट और हाई प्रेशर हो सकता था इसका आंसर ठीक है ना इसीलिए कई बच्चों ने इसको मॉडरेट भी टिक किया था और अगर पिजोमीटर किसी को याद था तो वो लोग इसको आंसर लो प्रेशर भी कर रहे थे बट मॉडरेट और हाई हो सकता था बट अब इसमें पूछने वाले की मर्ज़ी है बच्चों वो किस कैटेगरी में मैनोमीटर को ले रहा है ठीक है ना बाकी एटमोस्फेयर और लो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं हो सकता था आंसर या तो डी हो सकता था या ए बट यहाँ पे आंसर की तरफ से आंसर देने वालों की तरफ से आंसर की में हाई प्रेशर को माना है मैनोमीटर के लिए जो मुझे लगता है उतना सही नहीं है शायद ठीक है ना बट चल सकता है मतलब चल सकता है क्योंकि मॉडरेट टू हाई रेंज छू रहा है वो तो इसलिए यहां पे आंसर देने वाले के आप क्लेम भी शायद नहीं कर पाओगे ठीक है ना दैट इज ए आपका हाई प्रेशर ए हाई प्रेशर ठीक है यहां पे आंसर दिया हुआ है वट इज द मैक्सिमम एफिशियंसी ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल प्लेट्स तो मैक्म वर्टिकल प्लेट सीरीज ऑफ वर्टिकल प्लेट बच्चों तो याद होगा आपको सीरीज ऑफ वर्टिकल प्लेट के लिए हम कंडीशन निकालते हैं बच्चों पेल्टन व्हील के लिए भी यूज इकल टू वी बाई टू उस कंडीशन को रखें हम एफिशिएंसी निकालते हैं मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड योर फिफ्टी परसेंट तो बहुत आसान था थोरिटिकल क्वेश्चन था ए विल बी दी फिफ्टी परसेंट ए विल बी दी फिफ्टी परसेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पे था बच्चों डिटरमाइन द फ्लूड प्रेशर एट अ टैपिंग कनेक्टेड एट अ टैपिंग कनेक्टेड विद एन इंक्लाइंड मैनोमीटर इफ द राइज इन फ्लूड लेवल इज टेन सेंटीमीटर ठीक है ना along the inclined tube above the reservoir level the tube is inclined at 20 degree to horizontal as shown in the figure the density of the manometric fluid is itna ab aapko nikalna hai fluid pressure at a tapping connected fluid pressure nikalna hai bachcho kitna hoga kya kiya is question ko batao क्या आंसर आप लोगों ने निकाला जिन्होंने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को उन्होंने क्या आंसर इसका निकाला है बताएं छोड़ दिया था कैलकुलेशन की वजह से चलो भाई अच्छी बात है जिसने छोड़ ही दिया है क्वेश्चन ये प्रेशर का ये कंडीशन लगानी थी बच्चों और आंसर निकालना था कोई है जिसने किया ये क्वेश्चन कॉस्ट ट्वेंटी के अंदाजन वैल्यू ने गलत करवा दिया हाँ बस वो प्रॉब्लम आनी थी बच्चों इसमें एंगल की क्योंकि आपके पेपर में दो जगह ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ एंगल जो है वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डिग्री दिया है तो वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेके आप इसका आंसर भी निकाल सकते थे तो यहाँ पे था बच्चों डिटरमाइन द डेटर माइन फ्रेशर दिन कनेक्टेड विद एन इंक्लाइंड मैनोमीटर यूज टू राइज इन लेवल ऑफ टेन सेंटीमीटर अलॉन्ग द इंक्लाइन ट्यूब अब द रिजर्वा द ट्यूब इनक्लाइंट ट्वेंटी डिग्री है जी तो यहाँ पे बच्चों आपको टेन सेंटीमीटर दिया था ये आपका वैसा ही क्वेश्चन हो गया समझ लीजिए जैसे जिस कॉलम मैनोमीटर होता है ठीक है ना तो आपको प्रेशर निकालना था तो प्रेशर आप यहाँ से वहाँ तक की कंडीशन में लगा सकते थे लेकिन प्रॉब्लम बस यही आएगी कि जब आप यहाँ से यहाँ प्रेशर लगाएंगे तो प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि ट्वेंटी डिग्री जब आप इसको लोगे ये टेन सेंटीमीटर है मान लीजिए हाइट तो आप इसका जब एंगल लोगे तो दैट विल बिकम टेन साइन ट्वेंटी डिग्री है ना वर्टिकल हाइट जो आप लोगे वो लोगे टेन साइन ट्वेंटी डिग्री तो ये बस प्रॉब्लम करती है आपको कि साइन थर्टी से वैल्यू आपको कुछ कम लेनी थी यहां पे तो आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही आपको निकालना पड़ेगा ठीक है ना सॉरी कट रहा है एक सेकेंड ना अब दिख रहा है ठीक है तो बस आपको क्या करना था कि यहाँ पे यहाँ तक ये यह फिल था ठीक है आपको प्रेशर निकालना है तो आपको बस ये हाइट का जो है वो ध्यान रखना था कि दैट विल बी इक्वल टू हाइट टेन साइन ट्वेंटी तो साइन ट्वेंटी की वैल्यू बच्चों साइन थर्टी वन बाई टू होता है पॉइंट फाइव होती है वैल्यू साइन थर्टी की तो टेन ट्वेंट साइन ट्वेंटी की वैल्यू थोड़ी सी कम लेनी थी पॉइंट फाइव से बस ठीक है यार कई लोगों को अभी आंसर की कहीं नहीं पता चल रहा है कि आ भी गई है कि नहीं कहाँ सोए रहते हैं बच्चे ठीक है ना तो जब भी ऐसा कुछ हो बच्चों आप इसकी बड़ी वैल्यू देख लिया करो ये पॉइंट फाइव है तो साइन ट्वेंटी कितना हो जाएगा लगभग लगभग पॉइंट थ्री के आसपास हो जाना चाहिए तो उस हिसाब से आप वैल्यू ले सकते हो ठीक है जनरली और घर पर भी इस तरह की प्रैक्टिस कर लिया करो ना थोड़ा बहुत कि एंगल आसपास क्या आप देखो साइन ट्वेंटी एग्जैक्ट कितना होता है पॉइंट थ्री फोर टू जीरो है ना तो पॉइंट थ्री चल जाता पॉइंट थ्री फोर टू जीरो प्रेशर लेके तो प्रेशर अब आप देख ले तो कितना आ रहा है रो जी आपको पता ही है तो यहां पे आप निकाल सकते हो आ, रो आपका है एट हंड्रेड इंटू जी है आपका नाइन पॉइंट एट वन ही लेना पड़ेगा जब कुछ दिया नहीं है इंटू पॉइंट वन आ रहा था बच्चों आपका आंसर साफ साफ यहाँ पे 268.42 ठीक है कुछ नहीं करना आपको इधर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है आपने जस्ट ये है ना पी रो जी एच रो जी एच लेना है बस यहाँ पे प्रेशर पी इज इक्वल टू रो जी एच बस ये करना था आपने तो दैट विल बी इक्व टू 800 केजी पर मीटर क्यू 9.81 पॉइंट एट इज 10 साइन 20 10 की जगह पे 10 सेंटीमीटर है ना तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो पॉइंट वन साइन ट्वेंटी डिग्री दैट इज़ पॉइंट थ्री और इसको भी चाहो तो टेन कर लो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ेगा ठीक है जैसे मैं अगर टेन करके निकालूँ एट हंड्रेड इंटू टेन इंटू कितना है एट हंड्रेड इंटू टेन इंटू पॉइंट वन इंटू पॉइंट थ्री अंदाजा निकालता मैं तो करीब करीब वो थोड़ा सा कम रह जाता दो सौ साठ से लेकिन इतना पता चलाता आपको कि दो सौ की रेंज में है और 200 की रेंज में एक ही आंसर था बच्चों ए तो ये आपको कभी भी अप्रोक्सीमेटी आंसर देंगे अगर आप कैलकुलेशन को आसान करके रखोगे तो कर लिया करो कम से कम आपको ये पता जाएगा कि हंड्रेड में है या टू डिजिट में है या सिंगल डिजिट में है आंसर किस में है ठीक है ना तो सिर्फ पी टू एच करके आंसर निकाल देना था दैट इज टू सिक्सटी एट पॉइंट फोर टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अर करेक्ट रिगार्डिंग अ फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपका ठीक तो है तो पहला स्टेटमेंट है फ्लाई विल एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी फ्लाईविल एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी फ्लाई विल मेंटेन्स अस्टेंट स्पीड फ्लाई विल रिड्यूस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ठीक है तो बच्चों सबको पता है फ्लाई विल एक्स एज अ रिजर्वर ऑफ एनर्जी कह सकते हो तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है फ्लाई विल मेंटेन्स अंस्टेंट स्पीड फ्लाई व्हील जो है वो आपकी एक कॉन्स्टेंट स्पीड को मेंटेन रखता है क्या ये ऑप्शन सही है या तीसरा है फ्लाईवील रिड्यूस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड फ्लाईवील जो है वो स्पीड के फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है तो अब ये दो चीज़ें बच्चों की फ्लाईवील कांस्टेंट बनाए रख रहा है मेंटेन रख रहा है या फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि इन दोनों में से तो एक ही आंसर ठीक हो सकता है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है लेकिन सेकेंड और थर्ड में बच्चों बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो मेरे हिसाब से थर्ड विल बी दी मोर करेक्ट दैट इज फ्लाईवेल रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्योंकि आप कोविनेट ऑफ फ्लक्चुएशन निकाल रहे हो तो साफ है फर्स्ट एंड थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर तो सी रहेगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आइडेंटिफाई दी ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिटार्डर्स एंड टर्बुलेटर्स इसमें से ऑड वन आपको बताना है बच्चों ऑड वन इसमें से क्या होंगे जा रहे हो उधर ना पंप बैफल्स रिटार्डर्स टर्बुलटर्स बताओ बच्चों। इनमें से वन जो है वो क्या हो सकता है भाई पंप्स है आपका ठीक है ना बफल्स है रिटार्डर्स क्या करता है पहले ये ये भी जरूरी है कि इसमें आपको ये पता हो कि बाकी चीजें हैं क्या क्या काम ठीक है ना जब तक ये नहीं पता होगा तो फिर तो क्या ही अंदाजा लगा सकते हो ठीक है तो इसलिए यहां पे ध्यान ये रखिए कि बेफल्स बेफल्स क्या होता है वही मैंने कहा ना जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि बेफल्स क्या हुआ या ये क्या हुआ तब तक तो ये समझ लीजिए फ्लूड के फ्लो को एक तरह से आ, क्या बोलें इसे कि फ, आ, मतलब फैलने से रोकने के लिए समझ लो एक तरह से बोले तो उसके लिए हम बेफल्स को यूज़ करते हैं जैसे फ्लो टाइप का फ्लो को रोकने टाइप का रिस्ट्रेन करने टाइप तो एक तरह से वेंस ब्लेड टाइप होता है उसको हम लोग बैफल्स बोलते हैं रिटार्डर्स भी सेम हुआ फीलिंग सेम सम रेस्ट्रिक्ट वाई मोशन वाला रिटार्डर्स एंड टर्बुलेटर्स टर्बुलेटर्स क्या हुआ टर्बुलेटर्स हुआ आपका एक बार देख लेते हैं टर्बुलेटर्स में तो मुझे भी डाउट हो रहा है टर्बुलेटर भी आपका यही हुआ फ्लो को देखो तीनों में ही फ्लो जो है थैंक यू तीनों में ही फ्लो जो है वो आपका रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ठीक है ना तो टर्बुलेटर भी आपका वही कर रहा है लेमिनार के फ्लो को रोक के टर्बुलेंट में कन्वर्ट कर रहा है जस्ट yes, दैट इज टर्बुलेटर तो बेफल में भी फ्लो रेस्ट्रेन कर रहा है रिटार्डर्स में भी फ्लो रेस्ट्रेन कर रहा है और टर्बुलटर में फ्लो रेस्ट्रेन कर रहा है जो यहाँ अलग है बच्चों वो पंप ही है एक्चुअल में जो यहाँ अलग है वो एक्चुअल में आपका पंप ही है तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है ना सब लिक्विड को रिस्ट्रेन करने वाले डिवाइस हैं लेकिन पंप जो है वो अपलिफ्ट करने वाला डिवाइस है दैट इज ए विल बी दी करेक्ट आंसर ये डिफरेंस रहेगा इसमें बट मैं कह सकता हूं कि अगर बाकियों की मीनिंग आपको नहीं बताता तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन

तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी शिल्डेड मेटल कौन सी मेटल आर्क वेल्डिंग यूज़ होती है तो याद रखिएगा यहां पे हमारी यूज़ होती है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ठीक है ना उसमें क्या हम यू यूज़ करते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग स्टिक वेल्डिंग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग प्रोसेस तो बच्चों आपको याद होगा कि हमारे पास हम लोग आ, जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है मिग जिसे उसमें वायर रील का यूज़ करते हैं जिससे कंटिन्यूस फिलर जो है वो फ्लो करता रहता है तो यही है हमारा इसलिए ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक है ना मेटल आर्क में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए उसने सी ऑप्शन में मैनुअल मेटल आर्क लिख दिया है ठीक है ना तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अर आर ट्रू फॉर बच्चों मैनोमीटर्स के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है मैनोमीटर्स आर इजी टू ऑपरेट मैनोमीटर डू नॉट रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट कैलिब्रेशन मैनोमीटर्स आर मेड ऑफ स्टील तो सबसे बेकार तो मैनोमीटर्स आर मेड ऑफ स्टील ही है तो थर्ड नहीं है तो थर्ड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है वन एंड सेकंड तो वन एंड सेकंड मतलब बोले तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर डी विल बी दी करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई द वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनमें से ऑर्ड वन को आउट करना है आपको तो यहां पे है विद रिस्पेक्ट टू दी पोजिशन ऑफ दी बॉयर बॉयलर की पोजिशन के हिसाब से तो पोजिशन के हिसाब से देखो तो कॉकरन बॉयलर कैसा बॉयलर है बच्चे एक वर्टिकल बॉयलर है लंकर शहर बॉयलर हॉरिजोटल है लोकोमोटिव हॉरिजॉन्टल है कॉर्निश हॉरिजॉन्टल है, है तो साफ है बच्चों ऑड वन अपना आप आउट हो गया कोखरन जो है वो आउट हो गया यहाँ पे ए विल बी दी करेक्ट आंसर बिकॉज वो क्या है वो एक वर्टिकल डोम शेप देखा होगा वर्टिकल डोम शेप बॉयलर है बाकी सब जो है वो आपके क्या है वो आपके हॉरिजॉन्टल बॉयलर है क्लियर है समझ आ रही बात तो इसको हम ऐसा भी कर सकते थे ठीक है ए विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए एन मेजर द विलोसिटी डायरेक्टली बाई मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्टेग्नेशन स्टेटिक प्रेशर किससे हम लोग जो है वो विलोसिटी को मेजर कर सकते हैं बाई मेजरिंग डिफरेंस बिटवीन स्टेग्नेशन स्टेग्नेशन कंडीशन किस में आती है बच्चों पेटाट ट्यूब में आती है बट यहाँ पे बाकी हम देखो हॉट वेयर एनोमीटर आपकी एयर की विलासिटी को मेजर करता है और मीटर डिस्चार्ज मेजर करता है ठीक है ना और ब्रीजोमीटर बताओ बच्चो पाइटो ट्यूब आंसर आ गया आंसर इसका डी है बच्चो पाइटो ट्यूब पर मुझे यह बताओ वट इज ब्रीजो मीटर क्योंकि जो इसका ऑप्शन है वो किसी और का क्वेश्चन भी हो सकता है कल के दिन पे बताओ व्हाट इज ब्रीज़ोमीटर? ब्रीज़ोमीटर क्या है बच्चों? ये किस तरह का डिवाइस है क्या मेजर करता है बताओ ब्रीज़ो, ब्रीज ब्रीज नाम कहाँ सुनते हैं हम एयर के लिए सुनते हैं ना तो एयर की क्वालिटी को मेजर करता है हमारा ब्रिजो मीटर ठीक है ना समझ आ रही बात एक बार कंफर्म करने के लिए मैं चेक कर लेता हूं टू डरमाइंड द एक्यूरेट एयर पॉल्यूशन लेवल हाँ बिल्कुल वही है ठीक है ना ठीक है एक्यूरेट एयर पॉल्यूशन ठीक है तो यहां पे याद रखिए आपका जो आंसर है वो डी पिटॉ ट्यूब है नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज टर्निंग मोमेंट डायग्राम को हम किसी और तरीके से भी बोल सकते हैं क्रैंक लीवर डायग्राम Diagram, या तो बच्चों बहुत बार हमने इसकी बात करी हुई है ऑलरेडी डायग्राम क्रैंक एफर्ट हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सर्व एज अ स्टोरेज ऑफ लिक्विड मेटल फॉर कंपनसेटिंग फॉर श्रिंकेज मतलब ये क्वेश्चन भी कई बच्चों ने गलत कर दिया इससे ज्यादा सिली मिस्टेक क्या हो सकती है कि भैया इनमें से किसको यूज करते हैं हम एज अ स्टोरेज ऑफ अ लिक्विड अगर हमारी श्रिंकेज हो रही है श्रिंकेज की अगेंस्ट तो बात है राइजर बच्चों, डी विल भी दी करेक्ट आंसर डी विल भी दी करेक्ट आंसर आ, बच्चे चाहते तो हम भी हैं जल्द से जल्द बुक आ जाए हमारा भी फायदा है लेकिन समस्या ये है कि ये पेपर जब लगातार अचानक से अप्रैल मई में पेपर हैं इतने तो अब क्या करें पहली प्रेफरेंस में पे तो पेपर ही देना है जो सामने है ठीक है ना बल्कि हम तो अपने बुक का कंटेंट कराने में ही लगे हुए हैं लेकिन ये है कि उसको कर रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से अब उसमें कुछ नए पेपर के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं हमने ठीक है यही हो रहा है बस तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर दैट इज राइजर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इनमें से कौन सा रिवेटेड ज्वाइंट का टाइप नहीं है बच्चों कंप्रेशन रिवेटेड ज्वाइंट होता है बिल्कुल होता है टेंशन रिवेटेड ज्वाइंट सॉलिड रिवेटेड ज्वाइंट और ट्यूब्यूलर रिवेटेड ज्वाइंट तो बच्चों अगर आपने रिवेटेड ज्वाइंट के टाइप पढ़े तो इसका आंसर कर देंगे आप सब तरह का रिवेटेड ज्वाइंट होता है लेकिन टेंशन रिवेटेड ज्वाइंट कोई नहीं होता बच्चों क्योंकि टेंशन फोर्स के लिए वो होता भी नहीं है तो डायरेक्ट टेंशन रिवेटेड ज्वाइंट यहाँ पे कोई नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड बी विल बी दी करेक्ट आंसर अगला है अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑन एयर कंडीशनिंग इज द अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिमूट फ्रॉम वन टन ऑफ वाटर इन डैश टू फ्रीज एट थर्टी टू डिग्री फेरानाइट एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बच्चों आपको याद होगा हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन बोलते हैं वो किसके लिए होती है ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए निकालते हैं बच्चों ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए ठीक है ना तो याद रखिए थ्री सिक्सटी फाइव डेज ट्वेंटी फोर आवर्स सिक्सटी सेकंड सिक्सटी मिनट तो दैट इज न्वेंटी फोर आवर ठीक है day, hour, 60 second, 60 minute, so hour, ना भई आपको याद होगा 24 फोर आवर के लिए कैलकुलेशन करके निकाला था हमने ठीक है मैं वो आंसर दूंगा जो मैंने लगाए हुए हैं इसका डी अच्छा नहीं बेटा राहुल नियाल जी मैं तो ये कहूंगा कि आप सही आंसर दो अब छोड़ो अब अगर आपको लगता है कि आपने गलत दिया है तो अब गलत मत लिखो नहीं तो वो दिमाग में रह जाएगा आपके अब तो सही आंसर पे ही बात करो बस अब गलत आंसर मत लिखो ठीक है क्योंकि अब आपको कोई चेक नहीं कर रहा अब आपको कोई चेक नहीं कर रहा है लेकिन अब क्या है कि अब आपकी मेमोरी में सही आंसर जाना बहुत जरूरी है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन डैश अकर बिटवीन दी डैश अकर बिटवीन दी इंपेलर सरफेस एंड द फ्लूड लीकेज लॉसेस रिसर्कुलेशन लॉसेस डिस्क फ्रिक्शन लॉसेस मैकेनिकल लॉसेस तो बच्चों डैश अकर बिटवीन द इम्पैलर सरफेस ऑफ द फ्लूड तो इसमें से ये मैं कहूँगा ये एक नया क्वेश्चन है बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन हमने भी नहीं लिया था अभी तक कहीं कि भैया इम्पैलर uh, के सर्फेस में किस तरह के लॉसेस होते हैं ठीक है ना बट यहाँ पर आंसर जो है वो आप हटा के भी कर सकते थे कि लीकेज लॉसेज आपके हो गए आ, कहीं से भी हो नहीं सकते सरफेस में रिसर्कुलेशन लॉसेस डिस्क फ्रिक्शन या मैकेनिकल लॉसेस मैकेनिकल लॉसेस इसलिए नहीं होती क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस आपको सरफेस पे लॉसेस नहीं कहलाते हैं वो वो शाफ्ट पे या इंटरनल एरिया पे कहलाएंगे तो दैट इज़ योर डिस्क फ्रिक्शन लॉस यहां पे आंसर था आपका डिस्क फ्रिक्शन लॉस सी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट है डैश इज यूज टू मिनिमाइज स्प्लैश एंड टर्बुलेंस वेन मेटल इज फ्लोन इंटू दिस डाउन स्प्रू जब मेटल डाउन स्प्रू में कास्टिंग में जो मेटल है हॉट मेटल वो डाउन स्प्रू में फ्लो करता है तो किस चीज़ को हम यूज करते हैं जिससे हमारी स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस थोड़ी सी कम होती है तो याद रखिये बच्चों इसमें आप बाकी के ऑप्शन हटा दो आप आराम से कि राइजर का पर्पज नहीं है रनर का नहीं है पैटर्न का नहीं है तो दैट इज साफ है पोरिंग कप इज यूज है ना हम्म अच्छा ले रखा था मैंने क्वेश्चन ये अच्छी बात है यार ले रखा था तो मुझे याद नहीं खुद अब इतने क्वेश्चन ले लिए मुझे खुद भी याद नहीं है अगर ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है इससे पहले वाला क्वेश्चन ना वेरी गुड तो दैट इज योर यहाँ पे पोरिंग कप विल बी दी करेक्ट आंसर डैश आर एक्टिंग ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ़ वॉर ये तो बहुत ही आसान है बच्चों टग ऑफ वॉर जो हम क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं टग ऑफ वॉर को पता नहीं क्या बोलते हैं जिसमें रस्सी खींचते हैं इधर से एक रस्सी ये अरे मतलब कैसी रस्सी बना रहा हूँ मैं ठीक है इधर से एक बंदा ये खींचेगा ऐसे करके ठीक है उसके पीछे दूसरा खींचेगा ऐसे करके और इधर से जो है यहाँ पे पांच सौ रुपए का निशान है और इधर से बाकी के बंदे इधर से खींचेंगे ठीक है पूरा जोर मार रखा इस टाइप से तो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर टग ऑफ वॉर में कैसे फोर्सेस लगेंगे बच्चों चाहे फोर्सेस इधर इधर लगाओ आप कैसे भी लगेंगे ये फोर्सेस जो है वो कॉन्क्रेट भी हैं और को भी हैं तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे को दिया है ठीक है ना तो आराम से खिंचम तानी खिचम तानी तो नहीं बोलते शायद रस्सा कस्सी बोलते हैं हाँ शायद तो दैट इज कोलिनियर विल बी द करेक्ट आंसर सी विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन गिवन फिगर इस फिगर में बच्चों डिफेक्ट आप बताएं तो जनरली फिगर से एकदम से देख के डिफेक्ट नहीं पता चलता है ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा कि भैया श्रिंकेज कैविटी ये है नहीं ठीक है हॉट टीयर हो सकता है हॉट टीयर एक तरह का क्रैक होता है कोल्ड शर्ट ये है नहीं ठीक है और मिश्रण भी है नहीं मिश्रण भी साफ नज़र आता है अलग से है ना तो दैट इज योर साफ है दैट इज योर हॉट टीयर इज द करेक्ट आंसर सिंपल तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई अरेंज दी प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ देयर जॉइंट तो बच्चों साफ़ है यहाँ पे देखो आपको मैंने दिन भी बताया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हुई आपकी ब्रेज वेल्डिंग की ठीक है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हुई आपकी ब्रेज वेल्डिंग की ब्रेज वेल्डिंग की उसके बाद हुई आपकी सबसे ज्यादा उससे उससे कम हुई आपकी ब्रेजिंग की उससे कम हुई आपकी सोल्डरिंग की ठीक है ना और उससे उससे भी ज्यादा हुई वेल्डिंग की सिंपल वेल्डिंग ये आपको स्ट्रेंथ चार्ट मैंने सिंपल बताया था ठीक है अभी क्यों जाना है अच्छा कितने बजे जाना है ठीक है ठीक है तो यहां पे बच्चों हम आंसर देखें तो सोल्डरिंग ब्रेजिंग सोल्डरिंग आपका ब्रेजिंग और वेल्डिंग यह आंसर आपका रहेगा तो दैट इज आंसर यहां पे देखें अगर हम लोग तो आंसर हो जाता है आपका दैट इज डी विल बी दी करेक्ट आंसर सोल्डरिंग ब्रेजिंग वेल्डिंग और अगर इसमें ब्रेज वेल्डिंग बोलता है तो वो इसकी यहां पर आ जाता ब्रेज वेल्डिंग ठीक है तो इसलिए याद रखेगा डी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द डिफेक्ट फ्रॉम द गिवन फिगर इस फिगर में डिफेक्ट को आप आइडेंटिफाई करें इस फिगर में डिफेक्ट को आप आइडेंटिफाई करें बच्चों तो देखिए इस डिफेक्ट में खास बात क्या है कि आपको वेल्ड बीड दिखाई गई है लेकिन बीड तो दिखी नहीं रही है ऊपर ये क्या दिख रही है ऐसे दिख रही है तो इसका मतलब पूरा भरा नहीं गया ज्वाइंट तो इसको बोलते हैं अंडर फिल पूरा भरा ना जाना इज कॉल्ड अंडर फिल तो दैट इज ए विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर्स आर यूज इन पावर प्लांट टू डायरेक्टली गवर्नर जो है वो पावर प्लांट में डायरेक्टली यूज होते हैं इकाई के लिए तो बच्चों गवर्नर का भी फंक्शन सबको पता है कि वो क्या करता है किसी फ्यूल फ्लो के कंट्रोल को मेंटेन करता है एज पर द लोड रिक्वायरमेंट तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल द फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूड जनरेट द वर्किंग फ्लूड रिड्यूस कार्बन एमिशन डिक्रीज द पावर कंजप्शन तो साफ है बच्चो ए विल बी दी करेक्ट आंसर ए विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लेमि फ्लो लेमि फ्लो इनमें से कौन सा ट्रू है बच्चों तो फ्रिक्शन फैक्टर सिक्सटी टू अपॉन आ रही फ्रिक्शन फैक्टर सिक्सटी सिक्स यहाँ तो बाकी के ऑप्शन इतने घटिया हैं बच्चों की सोचना भी नहीं पड़ता नहीं तो जनरली कंफ्यूजन रहता है एफ फिजिकल टू सिक्सटीन अपॉन आ रही और सिक्सटी फोर अपॉन आ रही में लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन है नहीं साफ है सिक्सटी फोर अपॉन आ रही तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर क्या बोल रहे हैं प्रतीक एब्सोलूट uh, एग्जिस्टेंस अभी मैंने शिफ्ट टू के क्वेश्चन नहीं लिये बच्चों अच्छा सेम क्वेश्चन हो सकता है शिफ्ट टू में आ गया हो लेकिन अभी शिफ्ट टू के क्वेश्चन नहीं लिया बच्चों मैंने सिर्फ शिफ्ट वन के क्वेश्चन ले रहा हूँ ये अभी सिर्फ शिफ्ट वन के क्वेश्चन ले रहा हूं शिफ्ट टू के नहीं बट अगर सेम क्वेश्चन है तो अच्छी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग नॉट अ सेक्शन सिंगल सिंगल स्क्रू स्क्रू एक्सट्रूडर एक्सट्रूडर तो बच्चों ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर होता है सिंपल जिसमें सिंगल स्क्रू वेज में एक्सट्रूडिंग मशीन एक तरह से सिंगल मशीन होती है आप नेट पर डालोगे सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर बड़ा अच्छा डायग्राम खुल जाएगा एक बड़ी मशीन का तो उसमें आप साफ देखोगे कि फीड मशीन भी होती है फीड सेक्शन भी होता है मीटरिंग सेक्शन भी होता है और कंप्रेशन सेक्शन भी होता है जो नहीं होता वो होता है कूलिंग सेक्शन ठीक है तो ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है जस्ट आप नेट खोलोगे आपको एक्सट्रूडिंग मशीन दिखाई देगी उसमें सारे मार्किंग दिखाई देंगे कि ये सेक्शन भी है ये सेक्शन भी यह सेक्शन भी है ठीक है ना तो दैट इज योर सी विल बी द करेक्ट आंसर देर इज नो कूलिंग सेक्शन फोर्स इज मीटिंग एट वन पॉइंट बट हैविंग लाइन क्शन नॉट इन वन प्लेन तो बच्चो वो फोर्सेज एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन पे नहीं है तो ऐसे फोर्सेज क्या कहलाएंगे देखो अब एक प्लेन पे नहीं है तो मतलब वो non -coplanar तो है, लेकिन एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉन कोप्लीनर कॉन्कोट फोर्सेज ठीक है ना तो बस डेफिनेशन को तोड़ के आराम से दोगे तो नॉन कोपलेनर कॉन्कोट फोर्सेज आंसर आ जाता है नंबर शिफ्ट वन का ही है सेकंड में नहीं था ये चलिए भाई क्या ही बोले नहीं बच्चों कल करेंगे हम शिफ्ट टू के सॉल्व कल करेंगे शिफ्ट टू को सॉल्व बच्चों आज शिफ्ट वन कर रहे हैं कल शिफ्ट टू को और आने वाले क्वेश्चन हो सकता है पेपर में इसके क्वेश्चन आ जाएं क्योंकि रेस्पॉन्स शीट आ जाती है तो सभी को दिख जाती है तो चांस रहते हैं चलो अगला क्वेश्चन है फॉर अ रेफ्रिजरेटर सिस्टम वर्क इनपुट इज 40 किलो जूल बगेजी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना है सीओपी निकालो बच्चों क्या ही करना है सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट तो 130 अपॉन 40 सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ठीक है ना 130 अपॉन 40 सॉल्व कर लो कितना आ रहा है 13 बाय 4 कर दो समझो 13 बाय 4 3.25 हो जाएगा तो सी विल बी द करेक्ट आंसर थ्री पॉइंट टू फाइव सी विल बी दी करेक्ट आंसर तो कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में द द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस फोर डिग्री सेल्सियस टू टू टी एंड टी टू टेन डिग्री सेल्सियस बताओ अब वो कह रहा है कि रेशियो निकालिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हुआ बच्चों इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हुआ डी यू वन अपॉन डी यू टू और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब टेम्परेचर का चेंज है ना इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब टेंपरेचर का चेंज तो क्या हो जाएगा इधर T2 टू माइनस T1 तो टी माइनस टी क्या हो रहा है टेम्परेचर चार डिग्री से T तक जा रहा है चार डिग्री से T मतलब T माइनस फोर ठीक है और इधर क्या जा रहा है T से 10 जा रहा है तो मतलब 10 माइनस टी इज इक्वल टू ये इंटरनल एनर्जी का रेशियो क्या दिया है टू सिंपल दिख रहा है ना इंटरनेजी का रेशियो क्या दिया है टू तो सॉल्व कर लो इसे बस तो दैट तो तो विल बी इक्वल टू ट्वेंटी माइनस टू टी इज इकल टू टी माइनस फोर तो ट्वेंटी माइनस टू टी मतलब टी उधर ले जाऊँ तो बन जाएगा थ्री टी और फोर इधर ले जाऊँ तो बन जाएगा ट्वेंटी फोर तो टी इजिकल टू एट डिग्री सेल्सियस टी इजिकल टू एट डिग्री सेल्सियस तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर हाँ प्रतीक क्या कह रहे बेटा सर जे एस एस सी का सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हैं जेस की टेस्ट सीरीज बच्चों हमने स्टार्ट कर दी थी दो पेपर भी तीन पेपर भी उसके हो चुके हैं लेकिन अभी फिलहाल हमने रोक दिए जब उसकी डेट पीछे खिसक गई तो हमने रोक दिए ताकि हम दूसरे एग्जाम को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दे पाए बाकी अभी पंद्रह तारीख बाद फिर उसकी वापस टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे ठीक है घबराने की बात नहीं ए क्यों किया था भाई आंसर प्रखर सिंह ए क्यों किया बेटा आंसर आंसर तो साफ आठ डिग्री सेल्सियस आ ही रहा है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया मेरे को लग रहा है तुमने वो कर दिया शायद टेम्परेचर टी टी करके वो जोड़ दिया शायद ठीक है तो चलिए यहाँ पे आठ डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर है द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन ही बच्चों तो अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और इससे ज्यादा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन क्या ही आपको पूछेगा कोई कंप्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन इन द रेंज ऑफ सोलह से बीस बी विल बी दी करेक्ट आंसर बी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से देखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है स्पैटर इज अ प्रॉब्लम इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ वायर टंगस्टन इनकल इंक्लूजन इज अ रैम्पेंट डिफेक्ट बताओ बच्चों तो यहाँ पे वन एंड थ्री अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखूँ मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग ठीक है ना मिक की बात कर रहा है तो मिक की बात करें तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है अब अगर यहां पे पहला देखें तो स्पैटर इज अ प्रॉब्लम तो मिग में क्या स्पैटर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है पहली बात तो बिल्कुल याद दिला दो बच्चों मिग हम बात कर रहे हैं स्पैटर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस हाँ बिल्कुल हो सकती है इलेक्ट्रोड इन फॉर्म ऑफ वायर इलेक्ट्रोड जो है वायर की फॉर्म में ये भी ठीक है टंगस्टन नहीं होता बच्चों टंगस्टन का इंक्लूजन नहीं होता है क्योंकि टंगस्टन उसमें होता ही नहीं है तो थर्ड हटा दो तो बचा क्या ओनली वन एंड टू तो भी यहां पे भी बी आंसर है बच्चों वन एंड टू ठीक है ना टंगस्टन कहाँ से आ गया उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड है ही नहीं ठीक है ना नेक्स्ट टिग में हुआ ना टंगस्टन द एडिशन ऑफ सी ओ टू विद is गैस इज अप्लाइड इन process. डैश प्रोसेस द एडिशन ऑफ सी ओ टू विद in the गैस इज अप्लाइड इन डैश प्रोसेस तो बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं कहूँगा क्वेश्चन नया था थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन था अच्छा अगर पढ़ा है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं ऐसा एन एच पी जेई और जेस का क्वेश्चन लेवल जे का मैं कहूँगा थोड़ा इससे भी अच्छा रह सकता है लेकिन जो क्वेश्चन इसके अच्छे हैं वो बिल्कुल सेम रहेगा मतलब जेएसएससी वालों को ये तैयारी तो रखनी रखनी पड़ेगी पहले बट मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा इससे भी अच्छा आएगा ठीक है इससे थोड़ा सा अच्छा आएगा क्लियर है तो यहाँ पे पूछ रहा बच्चों कौन सी वेल्डिंग अब देखो आपने पता है कि हम एडिशन ऑफ सी ओ टू हम शील्डिंग गैस में एड सम्मर आर्क वेल्डिंग में नहीं करते शील्डेड मेटल में नहीं करते नट में नहीं करते अब ये समझ लो जो आपने सुनी हुई थी उसमें किसी में नहीं करते हम तो फिर किस में करते हैं मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में ठीक है ना मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में तो इसलिए सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रिवेट्स आर स्पेसिफाइड बाय देयर लेंथ कॉमा डैश हेड एंड टाइप तो बच्चों आप सबको पता है कि रिवेट्स को हम स्पेसिफाइड करते हैं उसकी लेंथ उसके डाया हेड एंड टाइप से ठीक है ना ठीक है ना डायाड एंड टाइप से वेट कलर स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है तो अपने आप ही आंसर बहुत आसान था मतलब ऑप्शन ऐसे थे बच्चों कई क्वेश्चनों में जहां पे आप आंसर ना आते हुए भी आप कर सकते थे ठीक है ना बिटवीन टू कंसनट्रेटेड लोड द शेयर फोर डायग्राम तो मैंने बताया था बच्चों दो लोड के बीच में शेयर फोर डायग्राम हमेशा क्या होगा स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन होगा तो दैट इज हरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बी विल बी करेक्ट आंसर द इक्वेशन टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अप प्लस ओमेगा रिप्रेजेंट क्या है बच्चों ये

है ना एक्सोथर्मिक है तो दैट इज यार नेगेटिव आएगी सीधी सी बात है ठीक है ना इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि एंडोथर्मिक होती तो पॉजिटिव आती ठीक है ना एजोथर्मिक रिएक्शन है तो आपकी क्या आएगी दैट इज ई नेगेटिव समझ आ रही बात क्लियर है भाई आपको याद होगा बचपन में आपकी बुक में के एक एग्जाम्पल बना होता था कि जब बर्फ बर्फ होती थी तो उसे क्या बोलते थे एंडोथर्मिक बर्फ पिघलती हुई एक फिगर होता था उसे एंडोथर्मिक बोलते थे और कहीं पर आग लग रही होती थी उसे एक्सोथर्मिक बोलते थे है ना तो जब हीट निकल रही है दैट इज एक्सोथर्मिक तो क्या हो रही है एंथेल आपकी ड्रॉप हो रही है ड्रॉप हो रही है तो नेगेटिव ठीक है और जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वह है एंडोथर्मिक दैट इज योर आपका पॉजिटिव क्लियर है तो आंसर रहेगा इसका ए नेगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ अल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड कोटिंग इनमें से कौन सा कोटिंग का टाइप नहीं है यह भी आसान था बच्चों ऑप्शन के हिसाब से बेसिक भी कोटिंग है ठीक है रूटाइल और एसिडिक भी कोटिंग है बट मार्टिन सिटी कोई कोटिंग नहीं है बच्चो तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर डैश वॉलेट बोथ द स्टेटमेंट इनमें से कौन सा जो है वो कैलविन प्लैंक एंड क्लॉजेस दोनों स्टेटमेंट को वॉयलेट करता था क्वेश्चन था ये उस टाइम जो बच्चों ने पूछा भी था ठीक है ना इनमें से कौन सा पीएमएम जो है वो कैलविन प्लैंक और क्लॉजेज स्टेटमेंट दोनों को फेल करता है तो बच्चों सब हमने पहले बताया था कि पीएमएम वन जो है वो फर्स्ट लॉ को फेल करता है पीएमएम टू जो है वो क्लॉजे दोनों स्टेटमेंट को फेल करता है क्योंकि वो सेकंड लॉ को फेल करता है सेकंड लॉ दोनों स्टेटमेंट में आते हैं ठीक है ना तो दैट इज यहाँ पे पीएमएम टू ही करेक्ट आंसर इसका होना था ए विल बी दी करेक्ट आंसर फिर भी कुछ बच्चों ने कुछ नया तिकड़म लगाया और पीएमएम थ्री आंसर कर रखा है तो दैट इज ए विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस लेवल विच अटीरियल बिफोर फ्रैक्चर ठीक है तो वो कह रहा है वो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू अब देखो बच्चों मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब मैक्सिमम वैल्यू बोले तो तब दो ही चीजें हैं या तो प्रूफ या अल्टीमेट है ना या प्रूफ या अल्टीमेट लेकिन यहां पे उसने बोला है फ्रैक्चर बिफोर फ्रैक्चर बिफोर फ्रैक्चर आपकी कौन सी कंडीशन आती है अल्टीमेट तो साफ था आंसर बच्चों दैट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर बी विल बी दी करेक्ट आंसर द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू दी कैम प्रोफाइल एंड एक्सिस ऑफ द फॉलोअर तो बच्चों नॉर्मल टू दी कैम प्रोफाइल कैम प्रोफाइल के नॉर्मल और एक्सिस के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे ओरिजिन एंगल बोलेंगे कॉन्टैक्ट एंगल बोलेंगे प्रेशर एंगल बोलेंगे या इनक्लिनेशन एंगल बोलेंगे ठीक है ना तो बच्चों कॉमन नॉर्मल याद ये जो नॉर्मल बताया उसे नॉर्मल वो पिच पॉइंट से पास होता है बच्चों क्योंकि तब उसे बोलते हैं प्रेशर एंगल तब उसे बोलते हैं प्रेशर एंगल सी विल बी दी करेक्ट आंसर सी विल बी दी करेक्ट आंसर अगला है सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर इज डिनोटेड एज तो बच्चों ये सेम वही हो गया अब यहां पर आपको सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर पूछ रहा है ठीक है आपने अभी क्वेश्चन ऑफ फ्लक्चुएशन और स्पीड लिखा

Ultra, वैसे तो हल्का ध्यान होना चाहिए कि अल्ट्रासोनिक वैसे मैंने बता रखा है अल्ट्रासोनिक फ्लॉड डिटेक्टर में आपको याद होगा कि हम लगाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसे मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया ट्रांसड्यूसर ठीक है ना तो वही हमारा जो है वो डिवाइस कहलाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर ए विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिफिस आर यूज्ड टू मेजर ऑरिफिस क्या मेजर करता है जो फ्लोर एड मेजर करता है तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर क्या ही सोचना है द फ्लो इज ऑब्जर्व टू बी लेमिनार टिल अ रेनॉल्ड नंबर वैल्यू ऑफ अबाउट तो इनमें से लेमिनार फ्लो जो है वो कौन सा रहेगा 5000, 7000, 1000 और 2300. तो फ्लो इज ऑब्जर्व टू बी लेमिनार टिल अ रेनॉल्ड नंबर वैल्यू ऑफ अबाउट तो, तो बच्चों आप सबको पता है यहाँ पे कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर जो है वो हजार कराए हैं ठीक है ना ये सोच के कि भाई बट यहां वो क्रिटिकल वैल्यू की बात कर करें बच्चों तेईस सौ जिसके बाद टर्बुलेंट में ट्रांजिशन शुरू होता है एक्चुअल में तो याद 2300. चली, चली, कुछ लोगों ने सही किया अच्छी बात है कूलिंग सिस्टम तो पे देखो कितना आसान है आंसर करना थर्मोसाइफन से कूल cool करोगे को, से करोगे इवेपोरेटिव से करोगे या एयर से करोगे तो साफ है बच्चों फोर्ज सर्कुलेशन यार हैवी ट्रक है हाईवी कूलिंग चाहिए तो फोर्स सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड इज बी विल बी दी करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है अ अगैक्स टक्शन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन इज परफॉर्मड एट अ करंट 300 हंड्रेड एम्पियर वोल्टेज ट्वेंटी और पावर निकालनी है बच्चों तो सबको पता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई वी इंटू आई वोल्टेज है आपकी ट्वेंटी और आई है करंट थ्री हंड्रेड तो ट्वेंटी इंटू थ्री हंड्रेड करेंगे तो सिक्स थाउजेंड वाट आ जाएगा सिक्स थाउजेंड वाट को किलो वाट में कर दो सिक्स तो किलो वाट हो जाएगा तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर अब आप समझ रहे हैं कि आपने कितने ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जो बेसिक है मतलब मैं बोलता रहा हूं अगर टफ टफ और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप छोड़ देते सिर्फ इजी इजी भी कर लेते ना मैं गारंटी बता रहा हूं आप 110 में से 80 प्लस होते मैं तो आपके सामने टोटल दिखा रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन ऐसे है जो आप छोड़ सकते थे और छोड़ने पड़ते हैं बच्चों चाहे वो आ, टीचर हो बच्चा हो कोई भी हो कोई क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है वो आप छोड़ सकते थे आपके लिए नया क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते डेटा बेस्ड क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते थे लेकिन जरूरी था कि जो आप कर रहे हैं जो आप कर सकते थे वो आप बिल्कुल ही सही करें तो इसलिए मैं आपको बार बार यही गुजारिश करूंगा कि अपनी आदत को थोड़ा बदलिए ठीक है थर्मोसाइफन बच्चों ने बताया जहां पे हीट के डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है मतलब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है ठंडा और गर्म ठीक है ना साइफन प्रिंसिपल के थ्रू साइफन प्रिंसिपल होता है अब यहां पर बच्चों तो कह रहा है था क्वान्टेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय दी अब देखो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि मैंने आपको बताया था एंट्रोपी डिफाइन करी गई है आपके सेकंड लॉ में ठीक है लेकिन उसकी वैल्यू कैलकुलेशन किसी पॉइंट पे आप देखोगे सेकंड लॉ में आप कहीं पर भी एंट्रोपी कैलकुलेशन नहीं करते जनरली चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं हमेशा क्योंकि एंट्रॉपिक कैलकुलेशन जो आपकी बताई गई है किसी वैल्यू पे वो है थर्ड आपका थर्ड लॉ ठीक है ना बट डिफाइन सेकंड लॉ में हुई है कैलकुलेशन थर्ड लॉ में हुई है किसी एक पॉइंट पे ठीक है एंट्रोपी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, अब यहां पे वो बोल रहा है entropy, ना प्रिंसिपल डिनोटेड बाय दी तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो किस पे डिनोट किया है तो सेकंड आंसर या थर्ड लॉ आंसर है कई बच्चों ने थर्ड लॉ किया कई बच्चों ने सेकंड लॉ किया ठीक है ना तो यहां पे मैं बता दूं बच्चों आपको कि दैट इज जो करेक्ट आंसर रहना चाहिए आपका वो आपका क्वांटिटेटिव के हिसाब से थोड़ा मुझे तो थर्ड लॉ लगता है ठीक है ना बट आंसर की में सेकेंड लॉ ही इसका आंसर आया है तो अगर आपको कहीं स्टेटमेंट मिलता है इस टाइप का तो आप जरूर सेंड कर सकते हैं लेकिन नहीं मिलता तो फिर ठीक है सेकेंड लॉ चलेगा फिर और क्या वही वाली बात है लेकिन सेकंड और थर्ड लॉ मिला के ही एन को कंप्लीट करते हैं बट थर्ड लॉ को जो है थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एंड्रॉपी भी बोलते हैं इसलिए कई बार ठीक है ना ठीक है तो यहां पे कंसेप्चुअल हिसाब से याद रखिएगा क्योंकि थर्ड लॉ का मतलब ही यही है कि एन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना ठीक है ना मैंने आपको समझा भी रखा है यूट्यूब में एक वीडियो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनिमिक के ऊपर उसमें आप समझिए एन की खास बात ठीक है ना प्ले लिस्ट में देखोगे तो माई वीडियो शॉर्ट्स करके होगा उसमें होगा तो इसका आंसर की में बच्चों मैं आपको बता दूं आंसर की बी ही आया है क्वांटिटेटिव चक्कर में फर्स्ट किया था फर्स्ट तो खैर भूल ही जाओ फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत किया है लेकिन सेकंड और थर्ड का कंफ्यूजन वाजिब है वो हो भी सकता है बट यहाँ पे आंसर की में सेकंड ही आया है अगेन सेकंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीट एट तो बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्क्रेट फोर्स मीट एट तो बच्चों कॉन्क्रेट फोर्स बोल रहा तो मीट एट वन पॉइंट ही होगा तो वो मीट एट टू पॉइंट ऑफ प्लेन प्लेन सिंगल पॉइंट तो दैट इज फोर्स इज अ वन सिंगल पॉइंट डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बीम इनमें से कौन सा बीम का टाइप नहीं है बच्चों कंटिन्यूअस बीम कंटिन्यूम बीम फिक्स ओवर हैंगिंग कौन सा बीम का टाइप नहीं है तो बच्चों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूम बीम कोई तरह का बीम नहीं है ए सी और डी बीम है तो बी विल बी देक्ट आंसर फॉर इोटेशनल फ्लो द बर्नॉलीज कॉन्टेंट इज इ रोटेशनल फ्लो के लिए बर्नॉली कॉन्स्टेंट क्या होगा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे उतना सही नहीं लगा कि क्या कहना चाह रहा है क्योंकि हमें पता है बर्नौली रोटेशनल फ्लो के लिए नहीं होती इरोटेशनल के लिए होती है ठीक है ना क्योंकि नॉन विस्कस फ्लो के लिए बर्नौली होती है ठीक है ना तो ये वहां के लिए बर्नौली जो है वो हर जगह कॉन्स्टेंट ही लगती है मतलब सेम लगती है सब जगह तो पीवन अपॉन रोजी टू जीकल प्लस जेड इजिकल टू कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे आंसर वैसे ठीक है सेम एवरी वियर ही यहां पे आंसर सही है क्योंकि इरोटेशनल के लिए बर्नौली सब जगह सेम ही लगेगी वही तीन पैरामीटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो इसलिए आंसर सेम एवरीवेयर रहेगा लेकिन मुझे लगता है इन्होंने कॉन्स्टेंट भी ऑप्शन दिया है तो उससे कई बच्चे कन्फ्यूज हुए हैं क्योंकि उन्हें सब जगह सेम या कॉन्स्टेंट में एक ही मतलब समझ में आता है ठीक है ना तो ये भी कई बच्चों का गलत हुआ होगा क्योंकि आंसर के हिसाब से थ्योरिटिकली बोले तो सेम एवरीवेयर एक ही बात है लेकिन अगर बच्चा खुद से सोचेगा तो उसे लगता है कॉन्स्टेंट एक ही बात है कॉन्स्टेंट रहना या सेम रहना सब जगह तो उस वजह से बच्चों ने बहुत गलती करी है बट सही लैंग्वेज जो है इसकी वो है दैट इज कॉल्ड सेम एवरीवेयर सर कंटिन्यूम कंसेप्ट समझा दो शॉर्ट में कंटिन्यूम कंसेप्ट होता है बच्चों किसी चीज को इस तरह के इक्विब्रियम में करवाना कि उसमें जो होने वाला चेंज है वो नजर भी ना आए तो उसे हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बोलते हैं एक तरह से और डिटेल में समझे तो भाव काफी कुछ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन टू दैट इन विच द बॉडी टेंस टू मूव दॉडी तो बच्चों यहां पे क्या बोल रहा है आपको दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन डैश टू दैट इन विच द बॉडी टेंस टू मूव द बॉडी तो बच्चों यहाँ पे साफ बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन दैट इज कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कहाँ एक्ट करेगा तो जहाँ बॉडी चलना चाह रही है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा to, तो यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं इस बारे में ठीक है ना तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्या हो जाता है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन सोचना ही नहीं है सी विल करेक्ट आंसर इन विच ऑफ द फॉलोइंगटर ट्यूबर्स आर वाटर ट्यूब इंक्लाइंडल तो किसमें बच्चों वाटर ट्यूब जो है वो इन्क्लाइंड होती है तो याद रखिये हमेशा इंक्लाइंड होती है बैपकॉक विलकॉक्स में अगर पूछता है किसमें वाटर ट्यूब आपकी बैंड होती है तो बैंड होती है हमारी स्टर्लिंग में इस तरह से याद रखिए ठीक है।, है ना तो देट इज सी विल बी देक्ट आंसर अब बलून शेप्ड गैस कैविटी कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ मोल्ड गैसेज ड्यूरिंग द पोरिंग इज कॉल्ड ड्यूरिंग पोरिंग इज कॉल्ड पोरिंग के दौरान जो है वो बलून टाइप जो है वो गैस कैविटी बन जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो बलून टाइप गैस कैविटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड सैंड ब्लो सैंड वॉश मिश्रण देखो अब यहाँ पे ऑप्शन हटा दो बच्चों अपने आप पता लगेगा कि देखो आपका गैस डिफेक्ट है एक तरह से ठीक है ना तो मिश्रण तो होने का नहीं सैंड वॉश होने का नहीं है ना सेंड बॉस भी आपका इरोजन टाइप है तो सैंड बॉस आपका हो नहीं सकता और मिश्रण भी आपका हो नहीं सकता तो अब बच्चा पिन होल्स और सैंड ब्लो अब वो बोल रहा है बलून टाइप कैविटी है तो पिन होल नहीं हो सकता बच्चा बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो ए सैंड ब्लो सैंड ब्लो इज दी करेक्ट आंसर ठीक है ना सैंड ब्लो इज दी करेक्ट आंसर द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों ये तो पता नहीं कितनी बार हटा रखा है तुम लोगों की एंट्रोपी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो है जैसे यूनिवर्स है वर डिग्रीज घट नहीं सकती बढ़ सकती है या कॉन्स्टेंट रह सकती है बट इट नेवर डिग्रीज हर बार ये बताया है, तो, तो यहां पर भी आंसर वही है बच्चो कैन नेवर डिग्रीज ए विल बी दी करेक्ट आंसर फ्लैट पाइवट बियरिंग इज ऑल्सो नोन है फ्लैट पाइवट बियरिंग को हम लोग और क्या कह सकते हैं तो यहां पर बच्चों कॉलर बियरिंग है ट्रंकेटेड बियरिंग है फुट स्टेप बियरिंग है कोनिकल आपको याद होगा आज से लगभग कुछ महीनों पहले एक क्वेश्चन आया था कि फुट स्टेप बियरिंग इनमें से कौन सा बियरिंग है ठीक है या थर्सिंग इनमें से कौन सा बियरिंग है तो आपको याद होगा तब आंसर था फ्लैट तो ये क्वेश्चन कुछ उल्टा आया है यहाँ पे इस बार बात वही है कि फ्लैट पाइवर्ट बियरिंग इनमें से कौन सा है दैट इज योर फुट स्टेप बियरिंग दैट इज योर फुट स्टेप बियरिंग सी विल बी दी करेक्ट आंसर सी विल बी दी करेक्ट आंसर च ऑफ दिलीमेंट डज नॉट फॉर्म कार्बाइड इन फेरस स्टील इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो कार्बाइड फॉर्म नहीं करता है फेरस स्टील के साथ तो बच्चों क्रोमियम भी करता है वेनेडियम भी करता है और मोलिबेडम भी करता है जो नहीं करता है वो है कोबाल्ट जो नहीं करता है वो है कोबाल्ट तो याद रखेगा कोबाल्ट इन स्टील नेवर फॉर्म्स कार्बाइड ठीक है ना ये पॉइंट नोट करने वाला है ऐसे पॉइंट हमेशा अपने रिवीजन शीट्स में ऐड कर लिया करो कि जब हम कोबाल्ट को स्टील में ऐड करते हैं तो वो उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करता है हॉट हार्डनेस को बढ़ाता है समझ लीजिए आपका कार्बाइड फॉर्म जो है वो नहीं बनाता है क्लियर है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों सी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन एज शोन इन कम्पोजिट से मॉड्यूलर रेश मॉड्यूलर रेशियो हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों रेशियो मैंने क्या बोला था कि मॉडल्स ऑफ लास्टिटी का रेशियो तो यहां पे आपको कम्पोजिट बॉडी दी है और मॉडल्स ऑफ लास्टिटी का रेशियो पूछ रहा है तो सीधा सीधा आप कह सकते हो यंग मॉडल ऑफ बार वन अपॉन यंग्स मॉडल्स ऑफ बार टू जिससे कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो निकल आता है तो even अपॉन ई टू इज कॉल्ड मॉडलर रेशियो ये भी क्वेश्चन करवा रखा है बस लैंग्वेज दिखने का तरीका अलग है लिखने का तरीका अलग है बाकी सेम ठीक है ना ये सब भी करवा रखा है तो B विल बी दी करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन बच्चों द प्रोसेस वेयर द कार्बन फ्रॉम आउटसाइड इज इंट्रोड्यूस इन दर्फेस ऑफ स्टील बाई कीपिंग चारकोल एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड तो वो कह रहा है वो प्रोसेस क्या होगी जिसमें हम बाहर से कार्बन को है सरफेस पे जमा करते हैं तो जैसे हम कार्बोनिशियस प्रोसेस करते हैं कार्बोनिशियस एनवायरमेंट में करते हैं कार्बोराइजिंग के थ्रू ठीक है ऐसे ही हमारी एक किस तरह की हार्डनिंग प्रोसेस है बच्चों चारकोल के साथ हम लोग एट हायर टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो वो नाइट्राइडिंग तो नहीं कहलाएगी या टैंपरिंग या क्वेंचिंग तो नहीं कहलाएगी तो दैट विल बी कॉल्ड केस हार्डनिंग दैट इज कॉल्ड केस हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग दैट इज कॉल्ड केस हार्डनिंग ए विल करेक्ट आंसर टैप वाटर इफ यूज इन ब्रॉयर्स को डायरेक्टली प्रोमोट अच्छा ये बच्चे कई तरह से पूछना चाह रहे थे क्वेश्चन जब मेमोरी बेस्ड पूछ रहे थे हम लोग लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि क्या था टैप वाटर से तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे था कि टैप वाटर को जो टैप में आने वाला पानी है उसको अगर हम बॉयलर में यूज करते हैं तो वो क्या होगा तो बच्चों बिल्कुल वही होगा जो आपके गीजर में होता है तो गीजर में आपका टैप वाटर जाता है तो क्या करते हैं उसमें क्या होता है गीजर के साथ स्केलिंग जमा होती है चूना जमा हो जाता है सारी लाइनिंग लाइनिंग पूरा कवर कर देता है ठीक है ना टंकी में आपका वाटर ज्यादा टैप वाटर से क्या करता है पूरी टंकी में जो है वो स्केलिंग जमा हो जाती है ठीक है ना तो दैट इज साफ था ए स्केलिंग विल बी करेक्ट आंसर बाकी आप ऑप्शन हटा भी सकते थे ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होना है क्रोजन नहीं होना है तो दैट इज यहाँ पे ए को जो है वो करेक्ट आंसर आप कर सकते थे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नॉट अ टाइप ऑफ अ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड इनमें से कौन सी टेक्निक जो है फॉलोइ टेक्निक्स इज नॉट अ टाइप ऑफ अ मैगनेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मैथड ठीक है ये कहूंगा क्वेश्चन अगर नहीं पता तो छोड़ देना चाहिए था कोई इशू नहीं है ठीक है ना क्योंकि आपने टेस्टिंग मैथड में मैग्नेटिकार्टल टेस्टिंग नहीं पढ़ा है तो वो छोड़ सकते हैं कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का तो प्रॉड टेक्निक कॉल टेक्निक योग टेक्निक याद रखिये बच्चो दे ऑल आर दार्ट ऑफ द मैग्नेटिक टेस्टिंग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड बट प्लेट टेक्निक जो है वो इसका पार्ट नहीं है तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है बट ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बच्चों ये क्वेश्चन तो चलेंगे छोड़ेंगे मतलब मैंने बोला ना 110 क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो उसमें से दस क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं दस क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि यार ट्रिकी थे यार मैं रिस्क नहीं ले सकता था लेकिन सौ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आप आराम से कर सकते थे उसमें से मैं कहूँगी चलो दस क्वेश्चन में आपने कुछ मिस्टेक कर भी दी लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि बाकी के नब्बे तो बिल्कुल सही होने चाहिए थे तो टेक्निकल में एटलीस्ट आपके टेक्निकल में नाइनटी और एट्टी के बीच तो आने ही आने चाहिए थे सब लोगों के एट्टी और नाइनटी के बीच कम से कम मेरे को यह लगता है कि अगर आपने टेक्निकल मेरे साथ इतने समय से किया हुआ है तो कम से कम 80-90 क्वेश्चन तो आपके लगने चाहिए थे इसमें बिल्कुल सही 80-90 यहाँ देखो ना उसमें कितना अच्छा चांस बन जाता थोड़ा बहुत कि अगर 80-90 आपके यहाँ लग जाते टेक्निकल में जो कि आराम से लग सकते थे बहुत आराम से ठीक है अस्सी नब्बे यहां लग जाते ठीक है मैं हटा के कह रहा हूं सब एक में से और जनरल इंजीनियरिंग में अगर आपने कुछ नहीं किया तो कम से कम मैकेनिकल का पोर्शन तो किया सात आठ क्वेश्चन उसके बाद आपने एक दो इलेक्ट्रिकल के भी कर दिए होंगे तो कम से कम यहां पे आपके 12 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन जो है वो बन गए थे तो 12 से 14 मार्क्स यहाँ सब बच्चों के आ रहे थे रीजनिंग जिस तरह की आ रखी है बच्चों रीजनिंग जो है वो कुछ ना कुछ नहीं तो तीस में से आप जो है कम से कम ट्वेंटी टू या ट्वेंटी के आसपास मेरे हिसाब से क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे कम से कम बीस से बाईस क्वेश्चन आराम से और जी को अगर बोलें तो फिर भी मैं बोलूँगा जी में जो है वो दस से बारह क्वेश्चन अब देखें यहाँ पर टोटल क्या बनता है आपका तो ये बनता है आपका चार दो छः दो आठ और दस ग्यारह बारह तेरह देखो 138 मार्क्स आपके फिर भी बनते हैं यहाँ पे अच्छे खासे ठीक है ना अब बाकी इससे थोड़ा बेटर करोगे जो कि करना भी चाहिए इससे थोड़ा बेटर ये तो मैंने बिल्कुल न्यूनतम न्यूनतम बताया है चलो टेक्निकल में अगर मैं कहूं ये भी रखते हो लेकिन जनरल इंजीनियरिंग में थोड़ा इससे बेटर कर सकते थे रीजनिंग में इससे बेटर कर सकते थे और जीएस में भी ये तो मैंने बहुत कम लिया है तीस में से सिर्फ बारह तो ये करते तो कम से कम मैं ये कहूँ कि एक सौ प्लस तो हर एक के आने चाहिए थे इसमें मार्क्स कम से कम जो हमसे पढ़ा है ठीक है ना लेकिन जो थोड़ा सा बेटर करता वो इसमें समझ लीजिए दस से पंद्रह मार्क्स और ऐड कर ले वो बेटर है तो तब मुझे लगता है कि आराम से जो है वो इसमें एक एवरेज कट ऑफ जो है अगर हमने पोल भी क्रिएट किया था तो पोलिंग के मार्क्स के हिसाब से भी यहाँ पे बच्चों के मार्क्स जो है वो ज़्यादा मैं आपको पोलिंग के रिजल्ट दिखा देता हूँ जो बच्चों से हमने पोल करवाया था हमारे पढ़ने वाले बच्चों से उसमें शिफ्ट वन के पोल के हिसाब से 44 परसेंट बच्चों के आंसर जो है यहाँ पे 110 में से 120 आए हैं 15 परसेंट बच्चे के आंसर जो है वो 121 में से 130 आए हैं ठीक है सबने देखा होगा टेलीग्राम चैनल में जो जुड़े होंगे उन्होंने पोल के रिजल्ट देख लिए होंगे वहाँ पे ठीक है 9 परसेंट के 141 में से 150 आए तो मतलब ही परसेंट बच्चे हैं जिसके इसमें से टेन प्लस आंसर आए हैं दस परसेंट बच्चे हैं जिसके एक के ऊपर आंसर आए क्वेश्चन मतलब मार्क्स आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके 150 सौ सात परसेंट बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 150 से ऊपर आ रहे हैं तो तब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना समझ बात तो यहां पे दिक्कत वही आई है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है बच्चों इकतीस वैकेंसी मात्र है तो इकतीस वैकेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पे जिन बच्चों के मार्क्स 160 प्लस भी आ रहे हैं कुछ कुछ हैं ऐसे भी किसी किसी के मार्क्स 150 प्लस भी आ रहे हैं और किसी किसी के मार्क्स 140 प्लस भी आ रहे हैं तो तब मुझे लगता है कि अगर ये क्राउड ठीक ठाक है तो फिर पहली कॉल तो इन्हीं को आनी है समझ रहे ना तो बस इनके अच्छे मार्क्स आने की वजह से जो है वो नीचे को कट ऑफ के हम कह सकते हैं कट ऑफ कहीं भी जाए लेकिन चांसेस है ठीक है ना बाकी बहुत अच्छा रहा तो कट ऑफ एक से नीचे नीचे रहे तो बहुत अच्छा लेकिन चांसेस कम है इस चीज के क्योंकि ऐसे बच्चे हैं बच्चों इतनी भीड़ में जिन्होंने 140 प्लस आराम से किया है कवर योगेश कुमार जी देख लो बाप मैं क्या ही बताऊं ठीक है ना क्या पता 135 चले जाए कट ऑफ़ तो ये कट ऑफ की गैसिंग करना तो उतना सही नहीं है बट मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है जिस तरह का पेपर है तो बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं भी यार कई लोग तुम्हारी अगर स्पीड एक्यूरेसी सही नहीं रही तो बहुत सारा ऐसा क्राउड भी है जिनकी स्पीड एक्यूरेसी सही है क्योंकि 50 60 बच्चे तो हमारे पास ही हो रहे हैं जिनकी स्पीड एक्यूरेसी सही है ठीक है ना तो तब मुझे लगता है कि वो शायद कट ऑफ को लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर ठीक है देखते हैं चलो क्या यहां पे रहता है क्योंकि 50 परसेंट बच्चे तो यहीं बाहर हो गए जो 110 से नीचे हैं 120 सौ मार्क्स से नीचे वाले जो बच्चे हैं तो 50 परसेंट तो वही बाहर हो गए सीधा सीधा इस पेपर से बट मैं कहूँगा कि इससे सीख लें और सीधा आगे की तैयारी करें सेंसिटिविटी ऑफ अ सिंपल मैनोमीटर कैन बी इंप्रूवड बाय तो बच्चो किसी सिंपल uh, मैनोमीटर की सेंसिटिविटी को अगर हमें इंप्रूव करना है तो वी नो दैट कि हम क्या यूज करते हैं इन्क्लाइन ट्यूब का यूज करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी uh, किसके बराबर होती है वन अपॉन साइन थीटा के बराबर होती है ठीक है ना थीटा जो होगा उसका इंक्लिनेशन एंगल होगा अगला क्वेश्चन द स्मॉलर वर्जन ऑफ लंकाशर बॉयलर इज दी लंकाशयर बॉयलर का स्मॉलर वर्जन क्या है बच्चों लंकाशार बॉयलर में क्या होती है दो ट्यूब्स होती हैं ठीक है ना और इधर हमारी सिंगल ट्यूब होती है तो वो सिंगल ट्यूब वाला बॉयलर क्या कहलाता है कॉर्निश बॉयलर कॉर्निश बॉयलर तो यहाँ पे साफ है बी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन अ डबल हेलिकल गियर द राइट एंड लेफ्ट इंक्लिनेशन मीट एट अ कॉमन एपेक्स एंड देयर इज नो ग्रूव इन बिटवीन द बिटवीन द गियर इज नोन एज तो बच्चों साफ सबको पता है बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है लेकिन सबको पता है दैट इज कॉल्ड योर हैरिंग बोन गियर दैट इज कॉल्ड योर हैरिंग बोन गियर जहां पे कोई ग्रूव ना कटा हो लेफ्ट राइट right के थ्रेड्स आपस में ऐसे पूरे हेलिकल गियर्स लगे हों तो दैट इज कॉल्ड हैरिंग बोन गियर ए विल बी द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन विच प्रोसेस यूजेज अ मोल्टन मेटल बाथ फॉर ब्रेजिंग ठीक है इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है फॉर अ मोल्टन मेटल बाथ फॉर ब्रेजिंग ठीक है ब्रेजिंग में मोल्टन मेटल बाथ के लिए कौन सी प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है तो चलिए आंसर मैं इसका बता देता हूं लेकिन ज़्यादा बढ़िया इसको आपको जमाल सर बता पाएंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन क्योंकि अब प्रोडक्शन के ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आगे ठीक है ना तो मेरे हिसाब से सर को मैं बुला लेता हूँ और वो कंटिन्यू कर लेंगे इसके आगे सेशन जिसमें वो यहाँ के क्वेश्चन बता देंगे बस इसका आंसर बता देता हूँ आपको इसका आंसर है डिप ब्रेजिंग बच्चो मैं इसी क्वेश्चन पर छोड़ के जा रहा हूँ और सर को बुला लेता हूँ मैं पानी वानी पीता हूँ और सर आपको प्रोडक्शन के क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि वो दो चार बातें इसमें एक्स्ट्रा बता देंगे आपको ठीक है चलिए चलिए वेलकम सर अपना काम शुरू करें ठीक है हेलो प्यारे बच्चों, कंटिन्यू रखेंगे क्लास को ओके okay? कमी क्वेश्चन बचे हैं फटाफट -फड़ कर लेते हैं यहां यहाँ पर जैसे कि सर ने बता दिया विच प्रोसेस यूज ए मोल्टन मेटल बाथ फॉर ब्रेजिंग ब्रेजिंग देखिए क्या होती 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 है 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 एक्चुअली एज एज ए ए ब्रेज ब्रेज वेल्ड वेल्ड भी भी डिप और सिर्फ ब्रेजिंग भी होती है ठीक है, है, है इन तीन तरह में इन तीनों में फर्क होता है टेम्परेचर का अकबर लगभग लगभग चार सौ पच्चीस से चार डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर है तो उसे ब्रेजिंग कह देते हैं ठीक है और अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका टेम्परेचर है तो हम ब्रेज वेल्डिंग कह देते हैं अब अगर हमारा जो ब्रेज वेल्डिंग फिलर मटेरियल है वो लिक्विड मोल्टन मेटल जो होती है उसके अंदर उसका जो टिप है वो डिप हुआ है तो उसे हम कहेंगे बच्चों डिप ब्रेजिंग डिप ब्रेजिंग ठीक है डिप ब्रेजिंग कहेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई द वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ठीक है आइडेंटिफाई करना है हमें इनमें से कौन सा अलग है जैसे लॉस्ट पैटर्न प्रोसेस एवपरेटिव फोम प्रोसेस म प्रोसेस या प्रिडिक्टिव फॉर्म प्रोसेस बेटा ये डी ऑप्शन कुछ नहीं होता लॉस्ट पैटर्न प्रोसेस जितने भी बेटा प्रिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है जितनी भी प्रिज कास्टिंग है जैसे कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है या फिर लॉस्ट फॉर्म मेथड है जितनी भी तरह के इनमें क्या होता है कि जो पैटर्न होता है वो आपका एक्सपेंडेबल होता है यानी कि पैटर्न के साथ क्या होता है कि जब आप मोल्टन मेटल कैविटी में डालोगे तो उसमें पैटर्न पहले से ही आपका रहता है जैसे ही हॉट मेटल इस पैटर्न के कांटेक्ट में आती है आपका पैटर्न पिघल जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है या एवोपरेट हो जाता है इसलिए हम जो ये जितनी भी कास्टिंग होती है इन्वेस्टमेंट टाइप की इन्हें लॉस्ट पैटर्न प्रोसेस कहते हैं या एवोपरेटिव फोम प्रोसेस कहते हैं या लॉस्ट फोम प्रोसेस भी कहते हैं याद रखना प्यारे बच्चों जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नो मोल्ड कैविटी नो कैविटी मोल्ड अगर कोई पूछता है कौन से प्रोसेस होते हैं नो कैविटी मोल्ड तो जो नो कैविटी मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस है वो याद रखना वो सारी यही होती है लॉस्ट फोम एक तो आपका जो लॉस्ट फोम होगी ठीक है लॉस्ट फोम इसमें क्या होगा थर्मोकोल का हम वो यूज करते हैं पैटर्न या फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो होती है इन्वेस्टमेंट उसमें हम वैक्स का पैटर्न यूज करते हैं आपको ठीक है या एवोपरेटिंग कास्टिंग इन्हें हम नो कैविटी मोल्ड भी कहते हैं यह भी याद रखिएगा आ सकता है किसी और एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिंग लाइन इज बिटवीन आपको पता ही है पार्टिंग लाइन दो चीजों को अलग करती है कोप एंड ड्रैक को कोप एंड ड्रैक को सम टाइम पार्टिंग लाइन जो है वो आपका स्प्लिट पैटर्न को भी अलग करती है लेकिन हमेशा याद रखना कि स्प्लिट पैटर्न की पार्टिंग लाइन और कोप एंड ड्रैक की पार्टिंग लाइन जरूरी नहीं कोइंसाइड हो लेकिन याद रखना कि कोप एंड ड्रैग को अलग करने वाली लाइन को हम पार्टिंग लाइन कहते हैं ये तो आसानी क्वेश्चन है ये तो फटाफट कर देंगे आप बिल्कुल सही ठीक है ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑड वन आउट को आपको आइडेंटिफाई करना है uh, कौन सा इनमें अलग है सब मजद आर्क वेल्डिंग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग स्टिक वेल्डिंग देखिए जो बी सी और डी ऑप्शन है ये तीनों शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के ही नाम हैं। यानी कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो होती है उसी को मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं उसी को स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं सबम आर्क वेल्डिंग इन नीचे वाली से अलग होती है तो यहां पर ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन टिपिकल हीट फैक्टर फॉर टिक वेल्डिंग इज टेकन देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था ठीक है इसमें थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश करिए देखिए जो हीट फैक्टर होता है एक्चुअली इसी को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं हीट फैक्टर जो होता है इसी को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं और याद रखना इसे पावर फैक्टर अब पावर फैक्टर में क्या होता है प्यारे बच्चों पावर फैक्टर क्या किसके बराबर होता है ये बराबर होता है बेटा रियल पावर कितनी रियल पावर है अपॉन अपरेंट पावर अपरेंट पावर यानी कि कितनी पावर आपने सप्लाई करी या होनी चाहिए अपरेंट पावर की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है करंट आई का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस इंटू टाइम आई स्क्ट पावर रियल पावर जितनी होगी पावर फैक्टर अब जितनी भी आर्क वेल्डिंग है उनका पावर फैक्टर जो होता है जिसे हम कॉस फाइव कहते हैं बच्चों कॉस फाइव ये होता है पावर फैक्टर वो पॉइंट से पॉइंट के बीच होता है पॉइंट सेवन से पॉइंट नाइन तक होता है तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर होगा ए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है हां ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका याद रखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेटल मतलब ऑड वन चूज करना है हमें मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग सब आर्क वेल्डिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग चलिए आंसर दीजिए बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए देखिए हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा देखिए मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग हो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ये तीनों नाम एक ही के होते हैं तो ऑर्ड वन में फिर से वही आंसर होगा सब आर्क वेल्डिंग मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग वो होती है जिसमें कंबिनेशन ऑफ शील्ड गैस होता है जैसे कि सीओ टू आर्गन एंड हीलियम जबकि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग वो होती है बच्चों जिसमें सिर्फ इनर्ट गैस यूज होती है जैसे हीलियम या आर्गन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का ही नाम है मिग का यानी कि तो यहां पे सी ऑप्शन इज करेक्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए डैश फ्लो द फ्लू लेयर डू नॉट मिक्स मैक्रोस्कोपिकली यानी कि अगर बड़े पैमाने पे देखें तो कौन सा ऐसा आपका फ्लो है जिसमें फ्लूड लेयर मिक्स नहीं होती कांस्टेंट लेमिनार टर्बुलेंट स्टेडी तो याद रखना लेमिनार लेमिनार फ्लो में जो लेयर्स ऑफ फ्लूड होती हैं वो आपस में मिक्स होकर नहीं चलती बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी एटी का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट विच आउ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टास्क ऑफ फ्लक्स इन ए वेल्डिंग आग बेटा फ्लक्स के वेल्डिंग जो होती है उसमें क्या काम होता है फ्लक्स का सबसे पहला काम होता है स्लैग बनाने का ठीक है स्लैग बनाएगा इंप्यूरिटी के साथ मिलकर और वेल्ट के ऊपर आके सॉलिडिफाई हो जाएगा दूसरा काम होता है एलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कराने का तीसरा काम होता है शील्डिंग ऑफ वेल्ड वेल्ड एरिया एरिया यानी कि weld area की रक्षा करने में किसकी मदद से गैसेस की मदद से वेपर की, की मदद से तो इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है बच्चों इसमें से सी ऑप्शन रिड्यूस द वेल्डिंग टाइम वेल्डिंग टाइम से कोई मतलब नहीं है फ्लक्स का ओके तो यहां पर इसका आंसर सी होगा प्यारे बच्चों सी सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रोटरी पंप इनमें से कौन सा पंप जो है बच्चों वो रोटरी नहीं है अब इसका तो आंसर आप खटपट दे दोगे कौन सा पंप ऐसा है जो रोटरी नहीं है इम्पैक्ट पंप ये रोटरी पंप नहीं होता साइंटिफिकल पंप मिक्स फ्लो पंप एक्सल फ्लो पंप ये सारे रोटरी पंप होता है लेकिन इंपैक्ट पंप आपका रोटरी नहीं होता इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट च ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन ऑबस्ट्रक्शन टाइप ऑफ फ्लो मीटर ठीक है विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन ऑबस्ट्रक्शन टाइप ऑफ फ्लो मीटर इनमें से वो कौन सा फ्लो मीटर है जो फ्लो में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालता किसी भी तरह की बाधा नहीं डालता मीटर पिटॉट ट्यूब और इफाइज मीटर नोजल मीटर तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों पिटॉट ट्यूब मीटर में तो पूरा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है और इफाइस में से भी काफी फ्लो को वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको पता ही है और नोजल मीटर भी आपका करता है लेकिन पिटो ट्यूब करता तो है ऑब्स्ट्रक्ट लेकिन इतना नहीं करता कंपेरेटिवली कम करता है प्यारे बच्चों कम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन द कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर इज इन द रेंज ऑफ अरे भाई ये तो आसानी है कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज पूछ रहे हैं यानी कि सी की बात हो रही है तो सी कितना होता है पॉइंट से पॉइंट ऑप्शन सी इज करेक्ट यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज ए वर्च्यू बाई विच मोल्डिंग सैंड परमिट्स ऑफ परमिट ड्यूरिंग कास्टिंग कास्टिंग के दौरान जितनी भी गैसेज बनती है गैसेज किससे बनती है वाटर से वाटर जो होता है वो डिस इंटीग्रेट होकर क्या देता है बच्चों वो देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो लिक्विड मेटल के साथ क्या कर लेती है ऑक्सीजन तो बच्चों लिक्विड मेटल के साथ रिएक्शन कर लेती है रिएक्शन कर लेती है ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बना देती है, लेकिन हाइड्रोजन फंसी रह जाती है तो इसे निकालने के लिए कौन सी आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिपर्मियबिलिटी परमिबिलिटी जो होती है बच्चों वो होती है कि सैंड पार्टिकल जब आपस में क्लोजली पैक है तो उनके बीच कितना स्पेस है ये वाला स्पेस इसे कहते हैं परमिबिलिटी यहां से गैसेज ओके जितना ज्यादा वाइड उतनी अच्छी परमियबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ़ वो होता है टी इंटू थीटा तो इसे क्या कहते हैं वर्क डन इसे क्या कहते हैं बच्चों वर्क डन पर रेवल्यूशन वर्क डन पर रेवल्यूशन ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सभी के ठीक होते हैं ओके हुँ. हेलो हेलो एवरीवन हेलो नेक्स्ट शील्डिंग इज डन बाय डैश इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस गैस वेल्डिंग प्रोसेस में शील्डिंग किससे होती है देखिए वैसे तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस में भी शील्डिंग जो है वेल्डिंग uh, के दौरान बनने वाली गैसेस से होती है लेकिन याद रखना अगर आप फ्लक्स यूज नहीं कर रहे अब ये गैसेस जो बनती है वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग में ये किससे बनेंगी ये बनती है प्यारे बच्चों फ्लक्स के जलने पर जब फ्लक्स जलेगा तब आपकी गैसेज बनेंगे लेकिन अगर फ्लक्स यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि गैस वेल्डिंग में जरूरी नहीं कि फ्लक्स यूज हो हमेशा तब क्या होगा तब जो आपका फ्लेम होती है उसका आउटर कोन जो होता है किसी भी फ्लेम का आउटर कोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है वेल्ड को अगेंस्ट द एटमोस्फेयर तो इसका आंसर होगा ए बच्चों ए नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूड इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द चेंज इन किसी भी फ्लूड को आप कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल कैसे कहते हो यू विल चेक इट्स डेंसिटी अंडर कंप्रेशन अगर डेंसिटी बढ़ रही है अंडर कंप्रेशन तो कंप्रेसिबल है अदरवाइज नहीं है तो यहां पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बिल्कुल सही नेक्स्ट विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल आइसोकोर्स एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक ऐसी कौन सी साइकिल है जिसमें दो रिवर्सिबल आइसोकोर्स होते हैं आइसोकोर्स मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऐसे होते हैं बच्चों और दो एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे होंगे ये, तो इसे कहते हैं ऑटो साइकिल क्या कहते हैं बच्चों इसे ऑटो साइकिल याद रखिएगा, दिस इज साइकिल वन टू ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है टू थ्री ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है थ्री फोर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है फोर टू वन ये भी आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक टीएस डायग्राम देखिए अगर आप इसका टीएस डायग्राम तो टीएस डायग्राम बन जाएगा ऐसे ऐसे बन जाएगा बेटा टी एस डायग्राम ठीक है टी एस डायग्राम आपका यहां पर बन जाएगा यह हो जाएगा वन टू थ्री एंड दिस इज फोर ओके हां तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोसाइकिल बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉडी ऑफ वेट 300 हंड्रेड न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ होरिजोंटल सरफेस विद ए ऑफ फ्रिक्शन एस 0.3 एक बॉडी है 300 हंड्रेड न्यूटन की तो वो जो है एक रफ सरफेस पर रखी है जिसका कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट थ्री दिया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच कैन मूव दिस बॉडी वाइल एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री तो ट्वेंटी फाइव डिग्री पर जब आपने ठीक है कोई फोर्स लगाए मान लीजिए ये बॉडी है दिस इज द बॉडी विच इज रेस्टिंग ऑन दिस सरफेस अब यहां पे ऑफ पर जीरो पॉइंट थ्री ठीक है, है? यहां पर आपने एक फोर्स लगाया ऐसे तो ये पूछ रहा है ये फोर्स जो है यह हो ट्वेंटी फाइव डिग्री का एंगल बना रहा है तो पूछ रहा है बच्चों ये कि क्या होगी वैल्यू इस एफ की अब देखो ये इधर मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा स्मॉल एफ रिएक्शन यहां मिलेगी किसके अगेंस्ट इस वेट डब्ल्यू के अगेंस्ट ये ठीक है दिस इज द रिएक्शन तो एफ इक्वल्स टू होता है बच्चों म्यू आर म्यू इंटू रिएक्शन ठीक है परपेंडिकुलर रिएक्शन तो म्यू जीरो पॉइंट थ्री अब आर इक्वल्स टू किसके डब्ल्यू के इक्विलिब्रियम में तो डब्ल्यू कितना है प्यार बच्चों थ्री हंड्रेड न्यूटन तो पॉइंट थ्री इंटू थ्री हंड्रेड पॉइंट थ्री इंटू थ्री हंड्रेड आ गया आपका फ की वैल्यू अब इस एफ के दो कंपोनेंट एफ कॉस 25 फाइव एफ कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री होरिजोनटल बराबर होना चाहिए इसके कम से कम या तो ज्यादा होगा इस एफ से या इससे बराबर होगा कम से कम तो एफ अब ध्यान से देखिएगा एफ कॉस ट्वेंटी फाइव एफ कॉस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री इंटू थ्री हंड्रेड यह है बच्चों करेक्ट ट्वेंटी फाइव की वैल्यू जो होगी कॉस्ट थर्टी के आसपास होगी कॉस्ट थर्टी होता है रूट थ्री बाई टू तो विच इज 0.86 तो कॉस्ट ट्वेंटी फाइव एंगल घटा के ले तो केस में वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी अगर कॉस्ट थर्टी जीरो पॉइंट एट सिक्स है अगर मैं यहां आपको बताऊं कॉस्ट थर्टी अगर आ, आ, वैल्यू जीरो पॉइंट एट सिक्स है कॉस्ट ट्वेंटी फाइव जो होगा इससे ज्यादा ही होगी लेकिन थोड़ी तो मैं जीरो पॉइंट नाइन के आसपास ले लेता हूं तो बस इस एफ इक्वल टू कितना जीरो पॉइंट थ्री इंटू थ्री हंड्रेड अपॉन जीरो पॉइंट नाइन तो इसे सॉल्व करके क्या आ गया लगभग लगभग हंड्रेड आ रहा है अब देख लो हंड्रेड के आसपास कौन सा आंसर है हमारा सी सी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बच्चों समझ में आ, आ गया आपको क्वेश्चन एफ का कंपोनेंट ब्रेक करना है आर और डब्ल्यू इक्वल होंगे इन इक्विलिब्रियम एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ के बराबर होगा कम से कम बराबर होना चाहिए वैसे मोशन के लिए इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को एफ कॉस 25 को इसको फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा ही होना पड़ेगा तभी मोशन हो पाएगी तभी मोशन हो पाएगी ओके <coughs> okay? हाँ बट चलिए चलता है इतना तो हम ऐसा हमें ऐसा लिखना चाहिए वैसे कम से कम ऐसे ऐसे ऐसा लिखना चाहिए सही प्रैक्टिस तो यही कहती है तो हमारा आंसर क्या होगा कम से कम सौ के बराबर या सौ से बड़ा ऐसा अब सौ के आसपास हमारा आंसर कितना है बच्चों एट्टी सेवन के आसपास वो इसलिए क्योंकि कॉस ट्वेंटी फाइव वैल्यू पॉइंट नाइन एक्जेक्टली नहीं होती ये लगभग पॉइंट नाइन जीरो थ्री के आसपास होती है जिससे वैल्यू यह आ जाएगी पॉइंट एट सेवन ओके चलिए ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हाँ बेटा हाँ बेटा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ये जल्दी में हो गया बेटा एफ कॉस का दूसरा कंपोनेंट तो लिया ही नहीं हमने आई एम सॉरी ये एफ साइन ट्वेंटी फाइव एफ साइन ट्वेंटी फाइव बिल्कुल सही बिल्कुल सही एफ साइन ट्वेंटी फाइव तो लिया ही नहीं तो ये हो जाएगा आर प्लस एफ साइन 25 फाइव डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगी पहली इक्वेशन बिल्कुल सही बच्चों और ये हो जाएगी एफ कॉस 25 फाइव डिग्री इक्वल टू इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर यानी कि म्यू इन टू आर हाँ अब आ जाएगा बिल्कुल सही बच्चों बिल्कुल सही वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड ठीक है हाँ नहीं नहीं बेटा देखो क्वेश्चन को पूरा करके ही चलना मैं से थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे क्वेश्चन को पूरा करके ही चलना ये कंपोनेंट हां ये मिस हो गया था मेरे से हां तो आर और ये बराबर होगा ऐड करके किसके इस डब्ल्यू के बराबर और ये होरिजोनटल कंपोनेंट है इसके बराबर होगा इसके बराबर होगा अब आ जाएगी आपकी वैल्यू अब साइन ट्वेंटी फाइव की वैल्यू साइन थर्टी से देख लेना साइन थर्टी होता है पॉइंट फाइव साइन ट्वेंटी फाइव क्या होगा बच्चों कम हो जाएगा <coughs> तो इसे पॉइंट फोर ले लेना साइन ट्वेंटी फाइव की वैल्यू पॉइंट फोर ले लेना और कॉस् ट्वेंटी फाइव की वैल्यू पॉइंट नाइन के, के आसपास लेना बस इतना ही बता सकता हूं भाई ठीक है क्योंकि देखिए कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको लेने की जरूरत भी नहीं यहां से अंदाजा एक सही आंसर आ जाएगा आपका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टो क्रैक फ्रॉम द गिवन फिगर इस फिगर में से टो क्रैक कौन सा है हमें यह पता लगाना है टो क्रैक देखो बच्चों, टो तो क्रैक क्या होता है मान लीजिए एक प्लेट ये है वेल्ड के लिए और एक प्लेट ये है, ठीक है अब एक फिलेट वेल्ड ये एक फिलेट वेल्ड ये ये, तो टो तो होता है बच्चों, ये फिलेट वेल्ड है बच्चों, मान लीजिए फिलेट तो टो तो क्या होता है ये ये पॉइंट ये ठीक है अब इसके ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टो क्रैक टो क्रैक वो होगा जो इसके आसपास होगा यानी कि या तो यहां हो क्रैक ठीक है ये मैंने आपको बताया भी है पोर्टल की क्लास में ये होगा टो क्रैक ये होगा अंडर टो अंडर वर्ल्ड और ये होगा इंटरनल क्रैक तो जो इस टो के नीचे होगा उसे कहेंगे टो क्रैक ठीक है तो यहां पर हमारा अगर डायग्राम देखे हम ध्यान से तो इसमें हमारा जो क्रैक सी है इसे हम कह सकते हैं कि हमारा टो क्रैक है ठीक है क्रैक सी तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बच्चों ऑप्शन ए नहीं डी नहीं बेटा डी होगा अंडर डी होगा आपका अंडर वेल्ड क्रैक कहते हैं याद रखिएगा अंडर वेल्ड क्रैक कहते हैं टो के बराबर में इसके ठीक नीचे ये समझ में आ रही बात तो सी ऑप्शन जो आप ध्यान से देखिए ये जो सी है ये टो के पास है क्योंकि टो कहां है देखिए यहां पर वेल्ड आपको ऐसे दिखाया गया है ना वेल्ड आपको ऐसे दिखाया गया है प्यारे बच्चों ऐसे ये। ऐसे करके तो टो ये होता है ये दिस इज द टो अब इसके जो पास में होगा वही क्रैक कहलाएगा टू क्रैक क्लियर तो नीचे वाले जो क्रैक है वो अंडर वर्ल्ड क्रैक है याद रखिएगा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस फिल्म इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ठीक है किसी सरफेस फिल्म को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसकी यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं सिंपल सी बात है डी ऑप्शन होगा यहां पर यहाँ पर बच्चों डी ऑप्शन होगा ओके हां नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपको पता है ना सरफेस टेंशन क्या होता है पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं बस तो वही तो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज और आर कॉस्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग पोरिंग विच सिस्ट ऑफ स्मॉल गैस कैविटीज अच्छा यह कह रहा है कि कौन सा इज और आर कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ गैसेजे ड्यूरिंग पोरिंग विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल गैस कैविटी देखिए इसका आंसर होगा बच्चों पिन होल्स देखिए यहां पर दो आंसर हो सकते थे या तो ब्लू होल्स या पिन होल्स ब्लू होल्स क्या होता है कास्टिंग में जब आपकी गैस कास्टिंग के अंदर ही फंसी रह जाए और सॉलिडिफाई हो जाए कास्टिंग तो क्या होता है वहां पर खोखली जगह रह जाती है कास्टिंग में उसे कहते हैं ब्लो होल लेकिन अगर गैस बाहर निकल गई तो क्या होती है जब वो बाहर निकलती है तो लंबे लंबे सिलेंडर पिन के डायमीटर के बराबर लंबे लंबे होल्स छोड़ के आती है उसे कहते हैं पोरोसिटी पिन पोरोसिटी कहते हैं बल्कि सही नाम इसका होता है पिन होल्स या पिन पोरोसिटी ठीक है तो ये आपका गैसेस के स्केपमेंट की वजह से होते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों पिन होल्स याद रखिएगा से सुन लीजिए अगर गैस कास्टिंग के साथ ही सॉलिडिफाई हो गई तो क्या होगा कास्टिंग में खोखला एरिया बच जाएगा जिसे ब्लो होल कहते हैं लेकिन अगर गैस बाहर निकल गई तो अपने पीछे लंबे लंबे पतले पतले होल छोड़ के आएगी जिन्हें पिन होल्स या पिन पोरोसिटी कहते हैं तो इसका आंसर बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश प्रोवाइड्स ए क्लियरेंस बिटवीन द ट्रेलिंग एज ऑफ द टूल एंड द न्यूली जनरेटेड वर्क सरफेस ओके ठीक है ध्यान से देखिएगा बच्चों मान लीजिए कोई वर्क सरफेस है दिस इज अ वर्क पीस ये कोई वर्क पीस है जिसे आप कर रहे हैं टर्निंग जिसके आप कर रहे हैं क्या टर्निंग कर रहे हैं मान लीजिए ये इस टाइप से अब देखिए जो कटिंग टूल होता है बेसिकली वो ऐसे होता है ऐसे ऐसे होता है ना दिस इज द कटिंग टूल कटिंग टूल की क्या होती है बच्चों यहां से यहां तक ये कटिंग एज है हम क्या मानते हैं हम हमें पता है है कि कटिंग 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 टूल की दो एज एज होती होती साइड और एंड नहीं बच्चों एक ही यहां यहां से यहां तक इसी सिंगल कटिंग एज की वजह से इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है लेकिन इस पूरी कटिंग एज के दो हिस्से होते हैं यहां से यहां तक जिसे हम कहते हैं साइड कटिंग एज और एक होता है बच्चों आपका यहां से यहां तक इसे हम कहते हैं एंड कटिंग एज तो जो ट्रेलिंग एज होती है किसी कटिंग टूल की वो होती है मशीनिंग करने के बाद सबसे पिछला हिस्सा कौन सा है सबसे पिछला हिस्सा यही तो होगा दिस इज द ट्रेलिंग ऑफ कटिंग एज तो इनके बीच ये जो क्लियरेंस है ठीक है ये जो क्लियरेंस है इसके बारे में पूछा है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों इसे हम क्या कहते हैं बच्चों बताइए जल्दी से हा बताइए शाबाश जल्दी से आप भी दीजिए आंसर हां बच्चों इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं बच्चों एंड कटिंग एज हां बिल्कुल 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 ठीक है तो ये तो हो गया साइड कटिंग एज एंगल अब कटिंग टूल को अगर मैं यहां दिखाऊं आपको ऐसे ये तो हो गया साइड कटिंग एज एंगल और ये क्या हो गया एंड कटिंग एज एंगल तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एंड कटिंग एज एंगल बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जेट इंजन इंप्लॉय डैश टाइप ऑफ कंप्रेसर जेट इंजन में कौन से कंप्रेसर यूज करते हैं प्यारे बच्चों कौन से कंप्रेसर यूज करते हैं जेट इंजन में चलिए बताइए जेट इंजन में बेटा हम कौन से कंप्रेसर यूज करते हैं हा रेडियल सेंट्रीफ्यूगल रोटरी एक्सियल हा एंड कटिंग एज होगा बिल्कुल सही है शिवानी एंड कटिंग एज होगा इसमें कोई डाउट नहीं है अब ये बताइए जेट इंजन में कौन सा कंप्रेसर यूज कर रहे हैं क्या लगाया है इसका आंसर सबने किसी ने एक्सियल लगाया है किसी ने रोटरी लगाया है बताइए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर बच्चों सही एक्सियल ही है बिल्कुल सही एक्सियल ही है इसका आंसर ज्यादातर बच्चों का सही है वेरी गुड एक्सियल नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डैश ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन द अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बुलेट इज नोन एज अरे भैया आपने गन चलाई तो बुलेट तो गई आगे की तरफ और गन 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 जो है वो आती है पीछे की तरफ तो ये क्या होता है बच्चों एक्शन रिएक्शन और एक्शन रिएक्शन क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बच्चों एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लो इज डैश ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ए वॉल्व इन ए पाइपलाइन जब किसी पाइपलाइन की आप वाल्व ओपन करते हैं तो बहुत तेजी से पानी अचानक बाहर आता है तो उसे हम कहते हैं अनस्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो वो होता है जिसमें क्या क्या होता है बच्चों जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती लेकिन जब आप पाइप जो होता है उसे ओपन करते हो तो शुरुआत में तो बहुत तेजी से पानी आता है लेकिन बाद में क्या होता है उसके बाद यूनिफॉर्म होता चला जाता है तो इनिशियली अनस्टेडी फ्लो होगा बाद में आपका यूनिफॉर्म होगा या स्टेडी होगा ठीक है 97, 97 तो बता दिया मैंने बच्चों, 97, एंड कटिंग एज बी ऑप्शन होगा बच्चे बता तो दिया मैंने एंड कटिंग एज एंगल नेक्स्ट डैश इज रिमूव फ्रॉम ए बॉयलर बाय द ब्लो डाउन वॉल जो ब्लो डाउन वॉल होती है बॉयलर में अगर उसे खोल दे हम तो क्या बाहर निकलता है बच्चों याद रखना कीचड़ गंदगी की निकलती है जिसे हम स्लज कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों स्लज स्लज हाँ, कहते बी ऑप्शन होगा इसका बी स्लज नेक्स्ट ए रॉड ऑफ लेंथ लाइन सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर 2.0 पॉइंट जीरो सेंटीमीटर अच्छा ए रॉड ऑफ लेंथ लाइन सेंटीमीटर एंड डायमीटर टू पॉइंट टू सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ ट्वेंटी किलो न्यूटन कोई रॉड है दो सेंटीमीटर डायगी उस पुल लग रहा है ट्वेंटी किलो न्यूटन का मॉड्यूलर ऑफ लास्ट दिया है टू इंटू टेन टू दी पावर फाइव हो गए वन हंड्रेड फाइव लिखा नहीं टेन इज टू दी पावर फाइव होगा न्यूटन पर डिटरमाइन द स्ट्रेस अरे भाई स्ट्रेस का तो फॉर्मूला सीधा होता है लोड अपॉन एरिया अब लोड कितना है प्यारे बच्चों यहां पर लोड आपको गिवन है 20 किलो न्यूटन का तो 20 इंटू टेन इज टू दी पावर थ्री करेक्ट और एरिया होगा पाई बाई फोर इंटू डायमी स्क्वायर है टू सेंटीमीटर आंसर पूछा है मिलीमीटर mm स्क्वायर में तो सेंटीमीटर के मिलीमीटर बना लीजिए सेंटीमीटर कितना है टू सेंटीमीटर तो मिलीमीटर हो गया ट्वेंटी का स्क्वायर बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप क्या आ जाएगा आंसर ये आंसर आ जाएगा सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स टू हाँ बिल्कुल सही बच्चों ये डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल नेक्स्ट सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर नॉर्मली मैन्युफैक्चर्ड बाय याद रखना बच्चों जितने भी कार्बाइड और सेरामिक के कटिंग टूल होंगे या जिन्हें हम इंसर्ट्स भी कहते हैं वो सब पाउडर मेटलर्जी से बनाई जाएंगी वो सब आपके पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाएंगे पाउडर मेटलर्जी से नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सप्रेशन एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू ए डी यू बाई डीवाई डी नोट हां देखिए बच्चों आपको पता है न्यूटन लॉ विस्कोसिटी कहता है टाव इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई ठीक है डी यू अपॉन डी वाई म्यू क्या है बच्चों आपका विस्कोसिटी डी यू आई डीवाई क्या है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट ताव, अब ताव शेर स्ट्रेस शेर स्ट्रेस बराबर होता है शेर फोर्स अपॉन शेर एरिया तो म्यू du डी वाई तो यहां से ए इधर चला जाएगा तो टू हो जाएगा तो हो इसे भी हम देखिए अब ये चीज और ये चीज सेम ही तो है दोनों सेम है बच्चों कहेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बी ऑप्शन होगा इसका शाबाश बच्चों नेक्स्ट कंपेयर नेक्स् टू वेंचुरी मीटर और मीटर है याद रखना बच्चों वेंचुरी मीटर के कंपेयर में जो ऑरिफाइस मीटर होते हैं उनमें हेड लॉस ज्यादा होता है वेंचुरी मीटर में तो इस तरह की जितनी भी डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस है इनमें सबसे कम हेड लॉस है वो वेंचुरी मीटर में ही होता है ठीक है तो वेंचुरी मीटर में सबसे कम आपका हेड लॉस होगा तो ऑरिफाइस में इससे ज्यादा ही होगा हेड लॉस तो इसका आंसर होगा बी लार्ज बी लार्ज लेंथ की जरूरत नहीं पड़ी ना लेंथ की जरूरत नहीं पड़ी लोड अपॉन एरिया लेंथ का क्या करेंगे बच्चों मटेरियल के इंटरनली तो है जैसे कोई वेल्ड किया तो प्रोड्यूस नहीं हो गया उसे चेक करने के काम में आता है तो क्रैक इन द सरफेस होना चाहिए तो इसका सही लाइन होगा क्रैक्स विद इन द सर्फेस द सर्फेस तो इसका डी होगा बच्चों डी नेक्स्ट द वेल्ड एरिया फाउंड बाई द रजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अरे भैया जो वेल्ड एरिया होता है रजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं कहते हैं नगेट नगेट उस नगेट का जो डायमीटर था अगर आपको याद है वो होगा सिक्स इंटू अंडर द रूट प्लेट थिकनेस ठीक है उस नगेट की हाइट देखोगे तो होगा टू इंटू प्लेट थिकनेस जितनी भी प्लेट की थिकनेस है माइनस इंडेंटेशन माइनस इंडेंटेशन ये नगेट के डायमेंशन हो गई हैं ठीक है इंडेंटेशन ओके okay, तुम उसे कहते हैं नगेट कहते हैं बच्चों याद रखना नेक्स्ट डैश इज केमिकली एक्टिव एट सोल्डरिंग टेम्परेचर एंड प्रमोट्स द वेटिंग एक्शन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ज्वाइनिंग देखिए वेटिंग एक्शन को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे अच्छा अलाइंग है सोल्डर का वो टिन है ठीक है तो इसका आंसर बच्चों टीन होगा सोल्डरिंग की जब भी बात होगी तो फॉस्फोरस गोल्ड की बात नहीं होगी या तो की बात होगी, लेड की बात होगी सिल्वर की बात होगी लेकिन यहां तो पर टिन यहां पर सुटेबल आंसर होगा क्या होगा बच्चों यहां पर टिन आपका सुटेबल आंसर होगा याद रखिएगा ओके okay? ठीक hmm. है बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन

का जो रेट है उसे इंक्रीज करना क्योंकि टंगस्टन का इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है इसका काम होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना इट और कोई काम नहीं होता है तो इसका आंसर होगा बच्चों थोरियम बिल्कुल सही बच्चों वेरी गुड नेक्स्ट न्यूटन डैश इज ऑल्सो ने लॉ ऑफ इनर्शियारी भैया ये तो एट क्लास का क्वेश्चन है न्यूटन का जो लॉ है वो कौन सा इनर्शिया लॉ कहलाता है बच्चों कौन सा कहलाता है बच्चों बताइए जल्दी से ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिद्दीपन का लॉ जो चीज जहां है वही रहेगी चल रही है तो चलती रहेगी रुकी है तो रुकी रहेगी कब तक जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड जिद्दीपन और इसी जिद्दीपन को हम इनर्शिया कहते हैं ठीक है भाई मैं नहीं हटूंगा मैं बुक कह रही है कि मैं जहां रखी हुई रखी रहूंगी तो यही तो होता है जिद्दीपन ओके बच्चो तो ये हो गया बच्चो आपका कंप्लीट पेपर ठीक है ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया है और ठीक है तो आई होप आपने अपने देख लिए होंगे आंसर की में ज्यादातर आंसर सही है अब कोई अगर ऊपर नीचे है तो मैंने देखा नहीं राहुल सर ने, ने नोटिस किया अब तक जितने क्वेश्चन आए थे इनमें मुझे कोई कमी नहीं लगे नहीं लगी ठीक है तो चलिए पढ़ते रहिए अब आप अपना उत्तराखंड वाले बच्चे जाओ उत्तराखंड की तैयारी में लग जाइए ठीक है, है? चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी सेशन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट